प्रदायते चैतन्य नामी गौरव से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपी सर्वभिदाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तत् कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रिये। भक्ताभिहीनापराधलक्ष्यै हितासितमाधितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना चरणारविन्द। हे श्री सनातन प्रभु करुणामूर्ति हे रूप दुखद जनै दयामलोक हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीवन कुरु तमन्दम तीर दयाल भरा तमगर जोर कर दो बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। शरद प्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण अनंत कोटि साहिब आदर मजन प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे ब्रज गोपियों को घर घर में प्रभु मक्खन चोरी कर रहे थे। एक दिन मैया यशोदा ने सोचा लगता है मेरे घर का मक्खन साथ खट्टा होता और गोपियों का घर का मक्खन मीठा। भगवान ने ये मानव शरीर दिया लेकिन ये जीवन पा करके प्रभु का जो भक्ति नहीं करते हैं धिक्तांग 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 बल उनका जीवन को धिकार उनका जीवन को धिकार है। इधर भैया कीर्तन कर रही थी क्या गा रही थी बोले गोविंद दामो धर्माधवे गोविंद दामो धर्माधवे भगवान कहते हैं हे नारद जी ना अहम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च। बोले नारद दुनिया कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते हैं योगियों का हृदय नहीं वहां भी नहीं। बोले फिर कहाँ रहते हो। बोले एक जगह में तुम मेरे को पाओ जहां पर मेरे भक्त मेरी कीर्तन करते हैं। देखो अगर हाथों में सेवा करोगे मुंह में नाम लोगे ना फिर कृष्ण रह ही नहीं सकते। कृष्ण को तुम्हारी घर में आना ही पड़ेगा। इसलिए भैया कीर्तन कर रही है और इधर क्या कर रही थी कृष्ण में दिखाता हूँ बच्चा चकाता हूँ वो जो मटकी था इतना बड़ा जिसमें दही था मंथन कर रही थी। बोले इसको ही मैं पलट दू कृष्ण पकड़ कर खिलाया। लेकिन कृष्ण का उम्र कितना बोले 3 साल का। बोले मटकी कितनी बहुत बड़ी मटकी
कृष्ण से हिला भी नहीं। बोले क्या किया जी, हिल नहीं रहा है। देखा वहां पर पत्थर पड़ा हुआ था, उठाया पत्थर और मटकी को मार, मारते ही मटकी तो फूट गई, वो बन गया तो छाछ, अभी धीरे धीरे निकलने लगा और कृष्ण खुश हो गए, हमने मटकी फोड़ दी। फिर कृष्ण को याद आया अगर मैया देखी की मटकी फूट गई ना, डंडा एक नीचे नहीं पीठ पर गिरेगा। फिर कृष्ण वहां से भागे, दूसरे घर में जाकर के एक उखल गोबर में खड़े हो गए और मक्खन को उतारा, मटकी को स्वयं खाए, बंदर और कौओं को खिलाने लगे। बोले कौआ बंदर को क्यों खिला रहे थे? बोले ये जितने बंदर है ना, ये हनुमान की वंशधर। बोले राम लीला में तुम लोगों ने मेरे को बड़ी मदद की, मैंने कुछ भी खिलाया नहीं, अभी आप जंगल से खा करके मेरे लिए युद्ध किया। अभी रामावतार में तो कोई सेवा कर ही नहीं पाया, कम से कम कृष्णावतार में तो मखन खिला था आपकी तरह मखन का। बोले कौओं को क्यों खिला रहे थे? बोले जितने कौए है ना, ये ताग भूसंडी के वंशधर, ये ताग भूसंडी जो प्रभु राम की कथा नित्य निरंतर सुनाते हैं। बोले मेरी कथा सुनाते हैं आज मखन का। इतने में मैया थोड़ी देर में आई, देखा पूरा घर घर दही छाछ मिला हुआ, देखा मटकी पूरा फोटा हुआ है मटकी। भले तो बड़ा दुष्ट हो गया, पहले दूसरे दूसरे घर में मक्खन चोरी करता था, आज ये सास का समय की मटकी, पहले पीतल नहीं था, पहले सिल्वर स्टील कुछ नहीं होता था, जो बड़े बड़े आपको पता होगा पहले मिट्टी की पात्र से सब चीज बनती थी, और मिट्टी की पात्र में कोई भी चीज बनने देखना उसका स्वाद अलग है। आप प्रेशर कुकर में कोई चीज डाल के बनाओ, लेकिन मिट्टी की हाड़ी में और कंडे की आग में धीरे धीरे जलते जलते कोई डाल बने देखना, उसमें पूरा अलग स्वाद आएगा। पहले सब मिट्टी की पात्र में सारी चीज बनती थी, और बोले ये जो मिट्टी के पात्र में सांस के समय की थी, और कितने घी पी पी करके ये मटकी कितने मजबूत हो गया था, और तुमने ये मटकी तुमने फोड़ी। बोले तेरे को कुछ सजा देनी चाहिए। देखो चोर जब चोरी करता है वो ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ करके जाता है जो सीआई पकड़ लेता है, लेकिन कृष्ण छोटे मोटे चोर नहीं, वो सबसे बड़ा चोर है। इसलिए बल्लभाचार्य पूरा एक अष्टक कृष्ण के ऊपर में लिखते हैं, बोले ब्रज पसिधम अनीत चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। इसलिए कहते कृष्ण कौन है? बोले चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। जितने चोर है ना, कृष्ण सबसे बड़ा चोर कृष्ण है। बोले कृष्ण कौन चोर है? बोले चित्त को चुराता है, पाप को चुराता है, दुख को चुराता है, कष्ट को चुराता है, हैं? सबको जो चुराने वाले कौन है? कृष्ण। बोले ये चौराग्र गण्यम, ऐसे जो चोर का सबसे बड़ा चोर है श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसलिए कृष्ण चोरी तो किया है, लेकिन उन्होंने कुछ चिन्ह भी छोड़ रखे। बोले क्या चिन्ह? उनका चरण में भी ये दही लगा हुआ था। कृष्ण जब चलते 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 गए, उनका चरण का छाप भी पड़ा हुआ था। इतने में मैया का डंडा उठाए और धीरे 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 पीछा करने लगी। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, क्या कृष्ण को पता नहीं था इनकी चरण में दही लगा हुआ, और कृष्ण धीरे 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 गए, मजे ठाकुर हमें मिले। भगवान कहते हैं मैं उसी के लिए व्यवस्था भी करता हूँ, इसलिए कृष्ण चरण की छाप छोड़ते छोड़ते गए। अभी मैया हाथ में डंडे लेकर के ढूंढे गया दुष्ट का, ये दुष्ट गया कहाँ मटकी फोड़ करके? देखा फिर क्या कर रहे हैं, मटकी तो फोड़ा ही पड़ा, कोई बात नहीं। फिर सारे मक्खन को उतार उतार करके बंदर और कौओं को खिला रहा है। मैया को तो और बहुत क्रोध चढ़ गया, अरे खुद खा कोई बात नहीं, ये बंदर कौओं को खिला रहे हो, बोले इसको दंड देना ही पड़ेगा। इतने में मैया पकड़ने जा रही थी, कृष्ण देखा भैया एक में बंदर और ये कौआ एक एक खिसक क्यों रहे, मैया तो नहीं आ गई, पीछे मोड़ करके देखा मैया आने वाली, अभी पकड़ने वाली। कृष्ण लगाया छलांग लगा करके पहले से ही मेन रोड का दरवाजा को खोल कर रखे थे, सीधा मेन रोड में निकल गए और पूरा भागने लगे।
मैया बोली कहाँ जाओगी? तू सोच रहे हो अपने घर की मैया घर बाहर नहीं निकलोगी? पहले जो माताएं होती ना, आपको पता होगा कि कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी स्त्रियां। कभी कभी ऐसे होती थी चंद्र सूर्य में जिनके सूरत को नहीं देखा, पहले माताएं घर का अंदर में ही रहा करती थी, घर का सारे काम को घर का सारे काम करती थी। इसलिए पहले क्या होता था, इसलिए शांति सुख भी बनी रहती थी। कोई थोड़ी बहुत झगड़ा हो गया ना, फिर आपस में मिल जाते। अभी वो नहीं, अगर पत्नी एक बोला पति दो बोला पत्नी तीन, डाइवर्स तू जा और मैं जा। इसलिए हमारे भारत में जाता कृष्ण जोर जोर से रो रहे थे और आंखों में मैया काजल लगा कर रखी थी, वो काजल मिश्रित आंसू बह रहा था। कृष्ण दोनों हाथ से आंखों को रगड़ रहे थे हैं, और वो गले में त्रिवली पड़ी हुई, जैसे लग रहा थे आंखों से गंगा जमुना की झरी बह रही है। मैया बोले तू सच सच बता, ये मटकी फोड़ी किसने? बोले मैया से मैं सच बताऊ ना झूठ बताऊ? बोले झूठ क्यों, सच बता। बोले मैया जब तू दूध रखा करने जा रही थी ना, तुमने अपना प्यार में कितने मोटे मोटे कौडूले पहन करके रखी थी, वो जब तेजी से जा रही थी वो कौडूले लग करके मटकी फूट गई। मैया बोले ना दुष्ट है, मेरा दोष लगा रहा मैंने मटकी फोड़ी। बोले बताओ ये बंदर कौओं को किसने खिलाया? मैया जिसने बनाया उसने खिलाया, बनाया किसने? ठाकुर सब ने। अब बिल्ली को देखना, जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद। आज मैं बता रहा हूँ नेटवर्क इशू है, मेरा नहीं चल रहा, वो जियो फाइल या वो नहीं चल रहा, इंदु मछली दीदी का नहीं चल रहा, किसी का ही नहीं चल रहा। जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल रावण हरि गोविंद जय उसका बच्चा कुछ नहीं करता है। मैया उसको मुंह में पकड़ करके यहाँ से वहां 10 बार उसने घुमाई, लेकिन उसका बच्चा कुछ नहीं करता है। देखो यहाँ पर दो उदाहरण दिया, बंदर का उदाहरण मतलब बच्चा स्वयं कोशिश करता है मैया पकड़ कर रखने के लिए। मतलब जब कोई साधक साधन करे, लेकिन अगर वो सोचे मैं अपना साधन करके ही भगवान को पाल, स्वयं स्थान करके, बोले भैया इसमें भी काम बनने वाले नहीं। दूसरी है बिल्ली। बिल्ली मतलब कोई भी लोग बोलते हैं ना, अरे ठाकुर को इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलता है, हैं? ठाकुर के इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलता, मैं क्या कर सकता हूँ? जब इसकी इच्छा होता होगा, जब उसकी इच्छा होगी होगी, ये भी काम करने वाले नहीं। दोनों फेल है, ये दोनों फेल है। क्या करना पड़ेगा? बोले दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर काम बनेंगे। जोड़ना पड़ेगा मतलब साधन तो जरूरत है ही है, साधन हमें जरूरत चाहिए, हमें साधन करने की जरूरत हमें, बगैर साधन के भगवान हमें नहीं मिल सकते। ऐसे नहीं माला तो लिया और माला लटका कर बैठ गया, क्या भगवान मिल जाएगी तुम्हें? नहीं, तुम्हें माला करना पड़ेगा, भजन तुम्हें करना पड़ेगा, भक्ति तुम्हें करनी पड़ेगी, साधन करनी पड़ेगी। लेकिन वह साधन कैसे होनी चाहिए? बोले ठाकुर जी हम तो तेरे साधन कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी ना, हमारा साधन का फल मिलने वाला अच्छा नहीं है। मिली मतलब साधन करेंगे, लेकिन कृपा के बगैर हमारे साधन का कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए हे ठाकुर जी आप मेरे ऊपर में तुम कृपा करो, फिर जब ये दो चीजें मिलेगी ना, फिर जाकर ये काम तभी बनने वाले। इसलिए मैया जशोदा तो सवेरे से शाम तक उन्होंने लगा दी, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं सकी।
जब बांध नहीं सकी, उनको घर में सालग्राम सिला था। मैया जसोदा ठाकुर जी से प्रार्थना की, बोले हे ठाकुर जी, सवेरे से शाम तक तो हो गया उसको बांधने के लिए, अभी तक मैं बांध नहीं पाई, ठाकुर जी मेरे ऊपर भी कृपा करो। जब उन्हें शरणागत हुई, ठाकुर जी की जब कृपा हुई, बोले माता परिश्रमम दृष्ट्वा कृपया आसीत सबंधने, फिर भगवान बंधन को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैया बोली तेरे पीछे सफर से शाम तक हो गया, सारे घर का काम काज बड़ा हुआ, अभी तो एक पड़े ना घर का काम करती हूँ। मैया जब काम करने के लिए गई, सखा लोग आ गए, बोले कन्हैया मैया तेरे को ही बांध डाली। बोले हाँ। बोले सखाओ एक काम करो, जल्दी जल्दी खोल दो, हम जाकर खेलेंगे। सखाओ ने कोशिश की खोलने के लिए, लेकिन वो खोल नहीं पाए। बोले क्यों? बोले वो प्रेम का बंधन है, वो साधारण बांध नहीं, जो अनंत असीम है उनको कोई थोड़ी बांध सकते हैं, वो प्रेम बात्सल प्रेम में प्रभु बंधे हैं, और उनको सख्या प्रेम खोलने के लिए चाह रही है, उनको किसी तरह से खोल नहीं सकी। इतने में सामने देखा दो वृक्ष है, चमला अर्जुन दो वृक्ष, ये पूर्व जन्म में कुबेर का दो संतान थे, नल कुबेर और मुनिगिरि। एक दिन शंकर जी की बगीचा में ये दोनों शराब पी रखे थे, और उस स्वर्ग के अवसरियों को लेकर के विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे थे। जब नारद उधर से गुजर रहे थे, उनकी जो अप्सरियां तो खड़ी होकर के कपड़े से शरीर को ढक लिए, लेकिन कि जो नल कुबेर और मुनिग्रभ थे ना, वो तो आप फार फार कर देख रहे थे। बोले बाबा तेरा कोई बुद्धि ज्ञान नहीं, तुम हमारे रंग में भंग करने के लिए आ गया, और कोई रास्ता नहीं मिला, हम यहाँ बस्ती ले रहे थे और बस्ती में बाधा डाल दिया, उनको तो आप फार फार कर देख रहे थे। नारद जी ने देखा हाय रे, कहा स्वर्ग कुबेर का संतान, और देखो कितने गंदा धाम, शराब पी करके नंगे होकर के जल विहार कर रहे हैं। अगर कोई साधु आ गया, सम्मान की क्या बात है कि आप भार भार कर देख रहे हैं। बोले जाओ, जैसे तुम्हारे शरीर में कपड़े नहीं, ये जो वृक्ष है ना, ये निवस्त्र रहते हैं वृक्ष, जाओ तुम वृक्ष ज्योति को प्राप्त करो। जब उन्होंने अभिशाप दी, उनका प्यार से तो पेड़ होने लग गए, और जितने नशा ना सारे नशा उतर गया, क्योंकि जो वृक्ष जन्म बड़ा कठिन जन्म है, धूप में खड़े रहेंगे, बारिश में खड़े रहेंगे, ठंडे में खड़े रहेंगे, जिंदा जिंदा कोई टहनियां काट लेगा, बड़ा कष्ट का जीवन है। सारे नशा उतर गया, नारद जी को चरण में गिर पड़े, बोले मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले जाओ तुम लोग गोकुल में वृक्ष बन करके जन्म लेना, जब भगवान कृष्ण आएंगे उनके चरण स्पर्श से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अभी नारद जी की बात प्रभु को याद आया, सखाओं को बोले एक काम करो, ये उखल को पीछे से धक्का मार, सखालों को धक्का मारते रहे, और दोनों वृक्षों को बीच में होते हुए कृष्ण निकल गए। अभी उखल अटल गया, कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाए ना, दोनों वृक्ष धड़ाम करके दोनों तरफ में गिरे, और इतने जोर से गिरे, वो सप्तजू का वृक्ष था, जैसे ऐसे लगा जैसे कहीं बज्र गिरा है, कहीं वज्रपात हुई। जितने ब्रजवासी भाग दौड़ कर निकले, निकलते हुए भगवान को उन्होंने परिक्रमा की, बोले हे प्रभु, बोले माई कानो धरे, बोले हे प्रभु, जैसे जीवा जैसे तुम्हारे और तुम्हारी भक्ता जैसे घुमा कीर्तन लग जाए, कहते जो जीवा में हम भगवान की कीर्तन नहीं करते हैं, केवल ये जीवा को दुनियादारी चर्चा में ये लबर लबर जीवा करता रहता है, सारा दुनिया की बात करते हैं, कहते वो जीवा नहीं, कहते मेढक का जीवा है। आप देखो उनके बरसात का समय में मेढक वो टटर टटर करता है, और ये सांप उसका काल, अभी सांप देखता है मेरे को ढूंढने का जरूरत नहीं, मेरा आहार मेरे को बुला रहा है, वो धीरे धीरे सीए। बोले भगवान की कथा सुनने के लिए, अगर भगवान की कथा नहीं सुनते दुनिया की सारी बात नहीं सुनेंगे, कभी दो काल नहीं, कभी दो वील मात्र, जिसमें काल रूपी सर पर रहते हैं,
अगर इन्हीं आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन दिन भर बैठ करके टीवी देखते हैं, लेकिन भगवान की कोई रूप दर्शन नहीं करते, बल ये आंख नहीं तुम्हारी, ये पाँख है, जैसे मौर पक्ष में सुंदर आंख रहती है ना, बल ये आंख नहीं, ये दो ये पाँख के बल तुम्हारी है। कहता अगर ये सर को ठाकुर जी की चरण में प्रणाम नहीं करते, बोले भार परम कट त्रिज दुष्ट, बड़े सुंदर पगड़ी बांधते हैं, लेकिन सर को ठाकुर जी चरण में नहीं झुकाते हो, कहते केवल इसका जो भार से तुमको समुद्र में डुबा देगा। देखो ध्यान दे कृष्ण, सबसे पहले सवेरे उठ करके क्या करो, सवेरे उठ करके क्या करो, पहले ठाकुर जी की मंदिरी होना, जाकर के सबसे पहले को प्रणाम करो, फिर अपना पिता माता को प्रणाम करो, गुरु हो तो गुरु को प्रणाम करनी चाहिए। अगर कहीं बाहर जा रहे हो क्या करो, ठाकुर जी की प्रणाम करते हुए जाओ, क्योंकि अगर ठाकुर जी की प्रणाम करते हुए जाओगे ना, जैसे तुम्हारे जीवन में आज बहुत बड़ी कोई अनहोनी है, बहुत बड़ी कोई अनहोनी, अगर आप ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए जाओगे, अगर अनहोनी होगा ना वो नहीं होगा, क्यों, कितना मंगल भवन अमंगल हरी, ठीक है। घर से निकलते समय क्या करोगे, क्या करके जाओगे, ठाकुर जी को पहले प्रणाम करना, ठीक है, और सवेरे उठ करके पहले पिता माता के चरण में छूनी चाहिए। कौन कौन चरण छूते हो, पिता माता दो चार व्यक्ति छूते हैं, जो नहीं छूते है ना, आप भी पिता माता के चरण जरूर छूना, क्योंकि पिता माता की आशीर्वाद मिले ना, कभी कभी ब्रह्मा जो ललाट में लिखा है ना, अगर पिता माता की आशीर्वाद हो, वो जो लिखा हुआ को वो पिता माता का कृपा हो मिटा सकते हैं, वो भाग्य को बदला सकती है पिता माता की अगर कृपा हो तो। इसलिए यहाँ पर कहते प्रभु, जैसे ये सारी इंद्रियां, जैसे तुम्हारी सेवा में जैसे इंद्रियां लग जाए, फिर ठाकुर जी का प्रणाम परिक्रमा करते हुए दोनों चले गए। अभी जितने ब्रजवासी थे ना, सबके सब इकट्ठे हो गए, और नंद बाबा देखा कृष्ण तो दो वृक्षों के बीच में खड़े हुए, नंद बाबा जल्दी जल्दी आए और रस्सी को जल्दी जल्दी खोले, बच्चे का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, अगर मैया थोड़ी सी मारे ना और पिताजी थोड़ी सी अगर प्रेम दे दे, फिर बच्चा रोने लगता है। अभी तक तो कृष्ण खेल रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन जब नंद बाबा खोल करके पकेट से एक लड्डू निकाल करके दे दिया, कृष्ण इतने में फुट फुट कर रोने लगते। नंद बाबा पूछे, हे लाला तेरे को बांधा किसने, बोले मैया, बोले खोला किसने, बोले बाबा, मैया 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 क्यों करते रहते हो, अभी बताओ किसको पास में रहोगे, बोले बाबा को पास में रहूंगा, मैया को पास में नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारती है। इतने में मैया आ गई, नंद बाबा तो मैया को इतना डांट लगाए, अरे एक दो मटकी तो फुड़ाओगा और तो कोई बात नहीं, और इतना बड़ा दंड, इतने कष्ट करके तपस्या आराधना करके एक लाला हमें मिलो है। अभी तो दोनों वृक्ष कहीं से बाई चांस दोनों तरफ में गिरे, अगर थोड़ी सी इधर उधर होता तो लाला खत्म हो जाता। लगता है तेरे को दही दूध और मटकी में बड़ा आसक्ति है, तू इसको लेकर के रहा कर, मैं कृष्ण बलराम को लेकर के मैं तीर्थ जा रहा। मैया इतने डर गई, इतने डर गई, सचमुच से अगर ये तीर्थ में चले गए तो। फिर नंद बाबा कृष्ण को लेकर के, बलराम को लेकर के ब्रह्मांड घाट में स्नान कराया, और धारस्न दूध मतलब है, देखना गैया से जब दूध निकालते ना वो गर्म होता है, उन्होंने उसमें मिश्री मिला करके दोनों बच्चों को पिला दी। और शाम को आए, अभी मैया और पिता में ना बड़े लड़ाई हुई, मैया बड़ी दुखी हो गई, और ये लीला सवेरे से चल रहा है, आज सवेरे से लीला चल रही है। मैया जसोदा घर में कोई खाना नहीं बनाई, इसलिए पूरा ब्रज आज भूखे ही, किसी घर में चूल्हा नहीं जला, क्योंकि रानी राजा जब स्वयं भोजन नहीं करें फिर प्रजा कैसे भोजन करें, इसलिए सबके सब आज ब्रजवासी भूखे ही। मैया जसोदा घर की एक कोने में बैठ कर रो रही है, और नंद बाबा कृष्ण बलराम लेकर के कोने के दूसरे कोने में गोद में लेकर बैठे हुए, अभी लड़ाई हो गई, बोले लड़ाई खत्म कैसे हुई, तीसरे व्यक्ति कोई हो फिर ये खत्म करवाता, तीसरा व्यक्ति कौन, बोले माता रोहिणी। रोहिणी ने देखा अगर नंद बाबा का गोद से कृष्ण को लेकर के अगर जसोदा की गोद में छोड़ दिया जाए ना, ये सारी लड़ाई शांत हो जाएगी। इतने मैया रोहिणी श्री बलदेव प्रभु को बोले, बोले दाऊ एक काम कर,
कृष्ण का हाथ पकड़ करके पिता जी का गोद से लेकर के मैया की गोद में छोड़ दे, पर घर का सारे वातावरण सही हो जाएगी, झगड़ा खत्म हो जाएगी। इतने में कृष्ण जाकर के दाऊ भैया का हाथ पकड़ लिए, कृष्ण का बलदेव प्रभु कृष्ण के हाथ पकड़े, बोले कृष्ण चलो मैया के पास में चलो। लेकिन कृष्ण तो सबरे से बड़े क्रोध में, कृष्ण इतने क्रोध में थे उन्होंने एक से झटका मारे ना, इतने बलदेव प्रभु तो वहीं पर गिर पड़े। रोहिणी बोली लाला आज तो बड़े क्रोध है, बोले लाला मैया की गोद में नहीं जाओगे? बोले नहीं मैया मेरे को मारती रहती है। बोले फिर कहां तुम दूध कहां से मिलेगा? दूध तो मैया के पास में मिलेगी, पापा के पास में तो दूध मिलेगी नहीं। बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके खिला देंगे पिला देंगे। बोले खेलोगे किसको साथ में? बोले दाऊ भैया को साथ में। बोले सोयोगे कहां पर? क्योंकि कृष्ण भी छोटा बच्चा है ना, वो जब तक मैया जसोदा की गोद में नहीं सोते थे कृष्ण को नींद नहीं आती। बच्चों का ये आदत है मैया की गोद में सोते हैं। बोले सोओगे किसको गोद में? बोले बाबा को गोद में सो जाओगे। बोले मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं मैया तो मेरे को मारती रहती है, बाबा मेरे को बड़े प्यार करते हैं। बोले अगर मैया की गोद में नहीं जाओगे, अगर मैया ऐसे हो गई तो मतलब अगर मैया मर गई तो फिर क्या होगी? जब कृष्ण सुने अगर मैया को पास में नहीं जाऊंगा तो मैया मर जाएगी, फिर तो कृष्ण को रहा नहीं गया, फिर पिताजी की गोद से खड़े होकर के मैया 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 करते करते सीता की गोद में लेट गई। फिर मैया जसोदा कृष्ण को अपना गोद में पा करके फूट फूट रोने लगी। इसलिए ये लीला देख करके वहां जितने ब्रजवासी थे ना, सब के सब वहां पर रो रहे थे। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे मैया कन्हैया कैसे आपने तंत्री बंदी में मैया मैया कह रहा है, इसका वर्णन सुरदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से किया है। भाई कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे I'm
कन्हैया मैया का मन याद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अगर मैं अच्छा ही बना इसलिए ताली मारी जा रही है। किस किस को अच्छा लग रहा है माना मैया तो सभी ताली बजाएगी जोर से। गोकुल हमारा पूरा विरोध हो गया है, चलो हम गोकुल छोड़कर और कहीं जाते हैं।
जो सबसे बड़ा गोप था उसका नाम था उपानंद, जहाँ गंगा नदी कलकन्ना से बह रही, जहाँ पर सुंदर भेली चमेली झूली, सुंदर सुंदर जहाँ पर वृक्ष है, जहाँ पर सुंदर सुंदर वृंदावन में बच्चों को खेलने के लिए मैदान, चलो सब कुछ वृंदावन चलते हैं, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन बिल्कुल क्यों आज ही चलो एकदम भिंडरा भिंडवा गोकुल में हम सबके सबसे वृंदावन चलेंगे। सारे रजवासी तैयारी हो गई, जितने बड़े बूढ़ों को बैलगाड़ी में बैठा दिए, जितने जवान थे धनुष बाण लेकर के सबके सब वृंदावन चल रहे हैं। एक बैलगाड़ी में जसोदा और श्री कृष्ण बलराम बैठे हुए, कृष्ण बलराम अभी 3 साल 2 महीना के, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है ना, जो कुछ देखे पूछे, बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें बड़े बड़े तारी है, बोले लाला ये बरगद वृक्ष है, बोले मैया ये कौन सा पेड़ सारे पत्ते जिसके हिल रहे हैं, लाला ये फल वृक्ष है, बोले मैया देखो कितने सुंदर बड़ी सुंदर चिड़िया बड़े सुंदर मीठी मीठी आवाज बोल रहा है, बोले मैया ये कौन सा चिड़िया है, बोले लाला ही कोयल है, बोले मैया देखो कितने सुंदर चिड़िया है शरीर में कितने सारे चित्र, बोले मैया ये कौन सा चिड़िया है पक्षी, बोले लाला का नाम मोर, बोले मैया एक का तो पूछे एक का पूछे, बोले ये क्या है, बोले लाला ये पुरुष है जिसका पूछ और बिना पूछ के स्त्री, बोले मैया एक दूसरों की आगे, बोले जो बिना पूछ वाली ये पूछ वाली की इसकी भूख लगती है, और बोले मैया मैया देखो कितने सुंदर जानवर शरीर कितने सुंदर चित्रकारी, बोले मैया ये जानवर का नाम क्या, बोले हिरण, बोले मैया एक का तो सिंह और एक का सिंह नहीं ये क्या है, बोले लाला जिसका सिंह है ना ये पुरुष है और जिसका सिंह नहीं ये स्त्री, बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे, बोले बिना सिंह वाली के सिंह वाला का बहू लगती है, बोले मैया सबकी बहू मेरी बहू कहाँ है, इसलिए मैया मेरे लिए भी एक बहू ला दे, बोले लाला चिंता मत कर वृंदावन में चल तेरे लिए भी एक बहू ला दूंगी, कृष्ण बोले नहीं यही मेरे को बहू चाहिए, मेरे को यही बहू दो नहीं तो मैं जाऊं नहीं, इतने में जितने बड़ी बुली थी ना सब घूंघट निकाल कर बैठ गई, सुन लो जिसकी इच्छा हो, इतने में कृष्ण एक बुली गोपी को बोली मेरी बहू गरीबों अभी चल वृंदावन में चल, अभी कृष्णा वृंदावन में आए, एक छठी का स्थान है जहाँ पर सकटम अर्ध चंद्रवत, छठी करा में जो सकट गाड़ी बैल गाड़ी को अर्ध चंद्रवत कर दिया जिधर से हवा आती है वहीं पर रहे, और एक दिन कृष्णा पिता माता को बोले, बोले पिता माता पिताजी हम कृष्णा बलराम बड़े हो गए आप वृद्ध हो गए हो, घर में बैठ करके गीता भागवत करो और भगवान की भक्ति करो, हम बच्चे घर में और पिताजी बूढ़े होकर गैया चराते ये अच्छा नहीं लगता है, नंद बाबा को सुन करके हृदय इतना आनंद आया, देखो मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, कहते पिताजी घर में बैठ करके भागवत गीता पढ़ो भजन करो हम बड़े हो गए हमें गैया चाहिए, अगर कोई बच्चा अगर पिता माता को बोले बताओ पिता माता कितना कितना खुश हो गए देखो हमारे लाला कितने अच्छे हैं, हैं नंद बाबा का तो हृदय तुम प्रेमी गदगद हो गया, नंद बाबा बोले लाला तेरे को गैया चराने का जरूरत नहीं, हमारा गांव में हमारा कितने सेवक है जरूरत नहीं, तुम अभी बच्चे हो, कितना उम्र था कृष्ण का 4 साल, कृष्ण का उम्र 4 साल, आप बताओ 4 साल का बच्चा कितना होता है, छोटा सा होता है ना, लेकिन कृष्ण की घी और दूध मलाई मक्खन खा खा करके ना हे तो 4 साल के, लेकिन लगते थे जैसे 7-8 साल के ऐसे लगते थे, भगवान है ना अभी बहुत बड़े बड़े जैसे दिख रहे हैं, इसलिए नंद बाबा मना करने पर भी माने ही नहीं, बोले नहीं हम तो जाएंगे ही, नंद बाबा बोले एक काम करियो गैया चराने की जरूरत नहीं बछड़े पहले चराओ, पास में जाओ खेल कूद कर वापस आ जाना, सांडिल ऋषि को बुलाए कोई बढ़िया अच्छा दिन देख लो, सांडिल ऋषि ने बोले कार्तिक महीना में गोपाष्टमी आती है बहुत शुभ दिन है, वही दिन कृष्ण अपना सखा को लेकर के भगवान बछड़ा चराना ठाकुर जी सुन के
चढ़ते चढ़ते एक दिन बकासुर आ गया। ऐसे लग रहा था मानो इंद्र ने किसी पहाड़ का पंखों को काट गिरा दिया। लग रहा था हाँ बहुत बड़ा बकासुर बैठा हुआ था। इतने में सखा लोग जा रहे थे, जो छोटे छोटे सखा लोग थे ना वो डरते हुए भागने लग गए, मतलब कोई राक्षस बैठा हुआ है, हैं? इतने में कृष्ण सामने आते ही वो बकासुर झट कृष्ण को पकड़ कर निकल गया। तो सखाओं ने बोले अरे हमारा कन्हैया को बकासुर ने खा गयो रे। अभी भी ब्रज में एक गांव का नाम खैरा। कृष्ण अंदर में जाकर के शरीर को इतने गर्म किया जैसे कोई लोहे का गला हो, झट उसने उबाल दिया। कृष्ण को फिर जब खाने जा रहे थे दोनों चोंच को पकड़े उन्हें चीर दिया। इसलिए अभी भी ब्रज में एक गांव है जिसका नाम है चिल्ली। भगवान ये बकासुर मारे, बल्कि बकासुर कौन है, बल्कि ये कपटता का प्रतीक है। बल्कि कपट किसको कहते हैं, बल्कि भीतर एक और बाहर एक, इसको कपट कहते हैं। आप बगुल के देखते हो पानी को अंदर में वो एक प्यार में खड़ा रहता है, जैसे ये मछली को पता नहीं चले ये कोई बगुला जो उस पास आए ना झट पकड़ करके उसे खा लेता है, हैं? ये कपट है। भगवान शिक्षा देते हैं अगर भक्ति करना है ना हृदय से ये कपटता को हमें त्याग देना पड़ेगा। एक दिन कृष्ण फिर जब गया चराने के लिए गए अघास हुआ गया, वो मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था। वो सोच रहा था पूरा कृष्ण समेत इनकी सखाओं को निकल जाओ। अभी सखाओं को पता नहीं चला अंदर में चले गए। अभी कृष्ण ने जोर से बुलाया सखाओं ये गुफा नहीं ये अघासुर वही रुक जाओ। लेकिन ऑलरेडी अंदर में सबके सब चले गए। कृष्ण देखा मेरे को दो काम करना पड़ेगा, एक में तो अघासुर को मारना और सखाओं को बचाना। जब कृष्ण पीछे से गए वो मुंह क्या बंद करेगा, कृष्ण इतना व्याड़ रूप धारण किया उसको मुंह में ही ठाकुर जी भर गए। इतने में उसका श्वास रूप ही ब्रह्म कालो फट गया और उसको ऊपर में एक ज्योति निकला। और जब कृष्ण अघासुर को बंद ही सारे देवता लोग देख रहे थे उन लोगों ने जयकार लगाए, बोले श्री कृष्ण का नैया लाल की जय जय श्री राधे। जब उन्होंने जयकार लगाए ये जयकार ब्रह्मलोक में पहुंचा जहां ब्रह्मा रहते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा भैया गोकुल में इतने जय जयकार क्यों हो रही। ब्रह्मा जी उतर करके आए, देखा कृष्ण का उम्र केवल 5 साल था और इतनी बड़ा भयंकर राक्षस को उन्होंने बात कर डाली। इतने में जब ब्रह्मा जी देखा जब अघासुर को मारे उस जब एक जो ज्योति निकला था वो ज्योति कृष्ण का शरीर में ही समा गया। कृष्ण बोले भैया ये बच्चा है कौन जिसमें ब्रह्मा ज्योति भी जिसके शरीर में प्रवेश करेंगे। हम देखो इधर ध्यान देकर सुना, कहते जिसको ज्ञानी लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं, इनका रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं ये तो एक ज्योति, कहते वो ज्योति कौन है। कृष्ण गीता में कहते हैं ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम्, जिसको ज्ञानी ये ब्रह्म ज्योति कहते हैं ये भगवान की शरीर की प्रकाश है। भगवान के शरीर का प्रकाश ही है ब्रह्म ज्योति। कृष्ण ही मूल ब्रह्म है, इनकी जो ज्योति ही ये ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण ही ये ब्रह्मा का प्रतिष्ठाता। इसलिए भगवान की भक्ति जब करने लग जाते हैं हम, इसलिए जनक महाराज भी पहले वो ब्रह्म ज्योति को उपासना करते थे, वो भगवान को निराकार मानते थे। लेकिन इसलिए जनक महाराज जी श्री भगवान राम लक्ष्मण जब जनकपुरी में आए, जब जनक महाराज जी दर्शन किया किसको, भगवान राम को, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले इन्हें ही मिलो कहति हर सीता, इन्हें ही मिलो कहति हर सीता, इन्हें ही मिलो कहति हर सीता, इन्हें ही मिलो कहति आप।
उनका दर्शन भी हो गया। जैसे उन्होंने श्री राम का दर्शन ही किया हुआ जो उनका ब्रह्मा सुखा वो सारे ब्रह्म हो गया। ये सुदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भी भगवान को निराकार 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 रखते थे, लेकिन कब तक भगवान को निराकार बोले? जब उन्होंने कृष्ण की रूप को नहीं देखे। और भगवान की रूप का दर्शन करते अपने आप वो सारे ब्रह्म सुख खत्म हो गया और प्रभु का प्रेम में डूब गया। इसीलिए हमें भगवान को भक्ति करनी चाहिए, भगवान को निराकार नहीं माननी चाहिए। अगर भगवान अगर निराकार तो फिर हम कहां से आगे, भगवान अगर निराकार तो फिर हम आए कहां से? भगवान जैसे हम उनका बच्चे ऐसे है, इसलिए भगवान निराकार नहीं, उनके बड़े सुंदर रूप है, बड़े सुंदर गुण है, बड़े सुंदर उनकी लीला है। प्रभु ने लीला की तभी तो कथा सुन रहे हैं। अगर लीला नहीं करते तो फिर हम कहां से प्रभु की कथा कहां से सुनते? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। इसलिए ब्रह्मा जी की लीला को देखकर मुक्त हो गए। कृष्ण सखाओं को लेकर के यमुना किनारे में भोजन कर रहे, ब्रह्मा और थोड़ी आगे लीला देखने के लिए बछड़े सखाओं को चोरी की। जब चोरी करके ले गए, इतने में कृष्ण अपना शरीर से ही जैसे सखा बछड़े को उन्होंने सृष्टि करके प्रभु ऐसे लीला करने लगे। ब्रह्मा जी जब सखा बछड़े को चोरी करके गुफा में बंद करते थे, और जो ब्रह्मा लोग में गए ना, वो जाने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बन गए, और ब्रह्मा पहुंचने से पहले उनका जो दरबार थे बोले देखो मैं अंदर में जा रहा हूँ, कृष्ण ब्रह्मा बन गए, बोले मैं अंदर में जा रहा हूँ, मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को भुगत होंगी, अगर मेरे जैसे कोई आए तो घुसने मत दिया करना, और कृष्ण ब्रह्मा बनकर बैठ गए। जब असली ब्रह्मा वहां पर पहुंचे, उनका जो नौकर लोग थे ना डंडे लेकर तो ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े, बोले तू कहां से आ गया, हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे हुए, ब्रह्मा तो चक्कर में पड़ गया, भैया मेरे जैसे कौन आ गया, मेरे नौकर मेरे को भगा रहे हैं। ब्रह्मा जी ध्यान लगाया तो देखा उनका प्रभु कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बनकर बैठे हुए। फिर तो ब्रह्मा वहां से भगे, एक साल हो गया इस जगत में, देखा एक साल पहले कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे अभी भी कृष्ण ठीक वैसे लीला कर रहे हैं। फिर तो ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए, बोले सबको मैंने तो गुफा में बंद करके रखा, ये कहां से आ गए? फिर देखने के लिए गई गुफा में, वही सो रहे। जब उन्होंने हरे कृष्ण, जब उन्होंने एक साथ में दोनों तरफ में देखा, उधर दो सर इधर दो सर, कृष्ण दिखाया देखो ये सखा बछड़े कौन है, ये और कोई नहीं, सबके सब चतुर्भुज नारायण, सबके सब नारायण नारायण नारायण। फिर ब्रह्मा जी समझ गए ये कृष्ण मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की, ये पिताजी ब्रह्मा जी है कृष्ण। फिर ब्रह्मा जी 40 श्लोक भगवान को स्तुति करते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। बोले कृष्ण कौन है? बोले सारे जो मूल कारण का जो कारण है ये भगवान कृष्ण है। ये ठाकुर जी कृष्ण, ये जो वाक्य भी आ रही है ना, ये साधारण नहीं, मैंने एक बार आपको बताया था। बोले कृष्ण का वाम अंग से, ध्यान देकर सुनो, इतनी सी बात समझो, कृष्ण से वाम अंग से पहले से राधा रानी प्रकट हुई, और ये राधा जी से ही ये जितने शक्ति आप देखते हो, उमा रमा सत्या सची दुर्गा चंडी, ये जितने देखते हो कहां से प्रकट हुई है? ये श्रीमती राधा रानी से ही प्रकट हुई। अगर हम राधा रानी को अगर हम भक्ति कर लेते हैं, बोले एक देवी नहीं अनंत करोड़ों देवियों की अपनी आप पूजा हो जाती है, अपनी आप पूजा हो जाएगी, कितने देवियों को खुश करोगे, कितने सारे देवी है, लेकिन श्री राधा रानी को ही, एक श्री राधा रानी को प्रसन्न कर दो, सब देवियां अपनी आप खुश हो जाएगी। बोले कृष्ण का डाण से बोले श्री बलदेव प्रकट हुए, अरे श्री बलदेव प्रभु से ही ये सृष्टि का प्रारंभ हुई, कि कितने करोड़ ब्रह्मा करोड़ शंकर करोड़ इंद्र चंद्र कहां से प्रकट होते हैं,
भगवान कृष्ण की अभिन्न शरीर से बढ़ते हैं प्रभु से। इसलिए जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं, जितने 33 पर देवता ये अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब हम भगवान हरि को प्रसन्न कर देते हैं, विश्व ब्रह्मांड के जितने देवता भी ये सब के सब कृष्ण खुश होने पर खुश हो जाते हैं, सारे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भागवत में दो उदाहरण देकर समझाएगा। पहला उदाहरण दिया जैसे कि वृक्ष है, अगर हम वृक्षों का जड़ में पानी दे दो ना, पूरा पेड़ हरा भरा होगा। अगर कोई जड़ में पानी नहीं दे, तीन बार उसको पत्ते धो, तीन बार उसको फल को धो, तीन बार उसको फूल को धोते रहो, बताओ ये पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? जिंदा नहीं रहेगा। तुम तीन बार पत्ते में फल में फूल दे रहे हो ना, वो जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी वो। दूसरी उदाहरण दिया जैसे जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल हरि वृंदावन हरि लाल की जय जय श्री राम। जैसे आहार हम कहाँ देते हैं, आंखों में ना, कानों में ना, हाथों में। अगर कोई बोलेगा हम आंखों में देखते ना, फिर दाल डाल दो, कान में सुनते तो रोटी दे दो, हाथों में काम करता चावल दे दो, कोई देते हो? आहार कहाँ देते हैं? मुंह में। आहार जब मुंह में देते, जब पेट में चली जाए ना, तो सारे इंद्रिया काम करते हैं। ये तो उसी तरह जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं, ये जितने 33 करोड़ देवता ये अपने आप खुश हो जाते हैं, अपने आप। क्यों? ये सारे देवता भी जिनके चरण की उपासना करते हैं, जो सारे के सारे प्रभु की चरणों को भक्ति करते हैं। इसलिए हमें, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण कौन है, जो सारे कारणों का जो मूल कारण है, श्री बांके बिहारी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, हम इससे दो श्लोकों को सुनने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। बोले ज्ञाने प्रयास उपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरीतंग भवदीय वार्ता स्थाने स्थितां श्रुतिगता तनुवान्नमनो हि जे प्रायोस अजित यहाँ पर बताए। अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करे? तो उनका एक नाम अजीत। अजीत मतलब होता है जिनको जितना जिनको पाना बहुत ही कठिन प्रश्न होता है, उनका नाम ही अजीत है। जो उनको पाए नहीं सकते, जीत नहीं सकते, प्रश्न ही क्या करे, वो मिलेंगे नहीं? बोले मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे? बोले हमारी अंदर में जितने अभिमान है, पहले सारे अभिमान को छोड़। जो हम सोचते हैं ना, हम कम है, अरे हमें PhD की, हमें डॉक्टरी की, हमें इंजीनियर, हम तो CA किया हुआ। ब्रह्मा जी कहते भैया तेरे कितना सर है? एक सर है। मेरे कितना है? चार है। तुम कौन हो? जीव हूँ। मैं कौन हूँ? ये दुनिया को जो सृष्टि की मैंने, प्रभु कृष्ण को समझ नहीं पाए, उनको बेचड़े सखा को चोरी करना पड़ा, मेरे को भी उसको चरण में नाग रगड़ना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हारी बात किया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी का बूंद पड़ को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की माया को, भगवान की महिमा को कोई नहीं जान सकते।
यही से भगवान की माया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते सारे अभिमान को छोड़ो, जितने हमारी नजर में घंटता है पहले इसको पहले छोड़ दो, पीछे रख लो। फिर क्या करो, बोले संतों को चरण में शरण लेते हुए उनकी मुखार बिंद से कृष्ण तथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बहती है वो नदी में गोता लगाते रहो, गोता लगाते रहो उस नदी में। और जीवन में जो कुछ आता है कभी किसकी दोष मत लगाओ, अरे हमको वजह से ऐसे हो गया, उसने मेरे लिए ऐसे कर दिया, उसकी वजह से हमें इतना दुख कष्ट भोगना पड़ा। हाँ तो देखो किसी के ऊपर कोई दोष मत लगाओ, ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि हमने जैसे कर्म किया ना वो कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं। अगर हम नीम का बीज बोएंगे बताओ कौन सा बीज वहां पर आएगा, नीम, क्या वहां पीपल की आ जाएगी, नीम जाएगी। अगर चीकू का बीज बोएंगे क्या अंगूर की फिर आ जाएगी, वो चीकू का ही क्या आएगी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आता है ना क्या समझो, मेरे तरफ में देखो इधर उधर मत देखो, इसलिए जीवन में जो कुछ आता है क्या समझो हमने किया हुआ कर्म का फल, इसका कोई भागीदारी नहीं है। देखो आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ये सच सही घटना है। एक समय दो व्यक्ति बिजनेस के लिए निकले, वो एक था राजस्थान का और एक था बंगाल का, एक नाम से एक नाम है वो सिलीगुड़ी एक जगह है, वहां के एक लोग था। अभी दोनों ही पैसा वाला थे, सोचे दोनों का पैसा अगर इकट्ठे मिला देंगे फिर ज्यादा पैसा हो जाएगा बिजनेस बढ़िया होगा। इसलिए जो राजस्थान का व्यक्ति था उसने पैसा किया कि वो जो बंगाल का जो घर का लोगों को पैसा दे दिया, भैया ये पैसा है ना अनर्थ, ये बड़े बड़े व्यक्तियों का बुद्धि भी ये खराब कर देती है। उसने देखा उसने इतने पैसा दे दिया, किसने तो देखा नहीं उसने पैसा दिया, उसको मैंने तो अंदर में बेईमानी आ गई, बल्कि इसको इसी तरह से मैं मार डालूंगा ये सारे पैसे का मालिक बन जाऊंगा। उसने किया कि एक पकौड़े वाला को साथ में उसने बात की, बोले देखो हम दोनों व्यक्ति तेरे पास में पकौड़े खाने के लिए आए, तेरे को 1,00,000 रुपया दूंगा लेकिन मेरे को तो अच्छे पकौड़े खिलाना और मेरे साथ वालों को तुम जहर मिलाकर कुछ पकौड़े खिला दो। अगर एक पकौड़े वाला 1,00,000 रुपया मिल जाए मेरे को तो उसी समय जिंदगी सुधर जाएगी। बोले कोई चिंता मत करो मैं ऐसे ही कर लूंगा, कोई चिंता मत करो। दोनों पकौड़ा खाने के लिए गए, उसको तो जहर का पकौड़ा खिला दिया, उसको अच्छा पकौड़ा खिला दिया। जब पकौड़ा खा लिया उसको पता चला कि तो जहर खाया, अभी रिएक्शन आया कि उसको गाड़ी में बैठा रहे घर में, फिर उल्टी दस ऐसे करते करते उसने प्राण त्याग दे दी, उसका शरीर को उसने कहीं घायल कर दी। अभी उसने एक कटा बहुत पैसा हो गया, उसने बड़ा सुंदर उसने मकान बनाया, लोगों ने सोचा शायद बिजनेस करने गया था ज्यादा पैसा कहीं मिल गया उसको। अभी उसकी बड़ा सुंदर एक बेटा हुआ, वो बेटा बड़ा सुंदर बेटा हुआ, लेकिन वो बेटा जब बड़े होकर के जब बेटे को शादी करवाया ना जिस दिन से उसने शादी की उसी दिन से वो बीमार, हरे कृष्ण, जिस दिन से उसको शादी करवाए उसी दिन से वो बीमारी में पड़ गया और ऐसे बीमारी में पड़ा पूरा बिस्तरा में लेट गया और बिस्तरा से उठ नहीं रहा है। और उसको उन्होंने कितना पैसा सारे पैसा एक बेटा था सारे पैसा उसके पीछे लगा दिया। अभी वो मरने वाला है, मरने से पहले उसका सारे परिवार लोग आ गए सारी पत्नी ठहर गई, ठीक मरने से पहले अभी तक तो लेट रहा था मरने से पहले अच्छा आदमी जिस बैठ गया और बैठ करके ना सारी बात बताने लग गया। बोला देखो मैं राजस्थान का अमुक व्यक्ति हूँ, हम दोनों बिजनेस करने के लिए मैं पैसा ये व्यक्ति को दिया और इसने सारे पैसा को गायब कर दी और मेरे को 20 का पकौड़ा खिला करके मेरे को मार डाला उसने, इसको पूछो ये आदमी को। मैंने इसकी प्रतिशोध लेने के लिए बेटा बन कर आया और जितने मैंने पैसा दिया था एक चक्रवर्ती ब्याज होता है ना वो चक्रवर्ती ब्याज समेत सारे पैसा मैंने किसकी समाप्त कर दिया मेरी बीमारी में, केवल थोड़ी सी पैसा मैंने छोड़ दिया, मेरा अंतिम कर्म करना पड़ेगा। ये व्यक्ति को पूछो किसने किया इसे, बोले उसने स्वीकार की हाँ मैंने ऐसे की क्योंकि जिंदगी भर दुख कष्ट बोला बेटा मरने जा रहा। वहां के लोग फिर प्रश्न की बोले ये बताओ
जब से तुमने शादी की तब से तुम ये बीमारी क्यों पड़ी? अभी तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी ना, तो देखो मेरी जो पत्नी है ना, जिसने ये पकड़ों में जहर मिला करके मेरे को पिलाया था, उससे नहीं मेरी पत्नी मेरे घर के आई। अभी जिंदगी भर इसको ये विधवा होना पड़ेगा। ये कल्याण में ये ग्रंथ की सही घटना ये पेपर में आया, सही घटना ये कल्याण आया पत्रिका में। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे, इसलिए हमें तो हमें सावधान रहनी चाहिए, किसी को साथ में बेईमान मत करो, क्योंकि जो पाप है ना वो अपना पाप को भी ये पाप नहीं छोड़ता है। सभी को कर्म की ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, बोले भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम, कोई किसी को कष्ट देता ही नहीं, जीव अपना कर्म का फल को ही भोगते हैं। इसलिए कभी भी कोशिश मत करो, अगर दूसरा का भलाई नहीं कर सकते ना, किसी को बुराई मत करो कभी। हम कभी कभी बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए कभी कभी कुकर्म कर्म डालते, खुद मंदिर गए, बच्चे भी पैसा को लेकर के अगर कोई गंदे काम में पैसा कमाओ ना, वो बच्चे सब सत्यानाश कर देते हैं, क्योंकि तुमने अच्छे कर्म से वो पैसा नहीं कमाया, वो दारू पी करके जुआ खेल करके सारे गंदे काम करके बर्बाद करेगा, चुप कर गया बुरे कर्म करके, बच्चा भी बर्बाद सब बर्बाद है। पर शरीर में क्यों कीचड़ लगा है, कैसे साफ कर उसको? इसलिए ब्रह्मा जी कहते जीवन में जो कुछ आता है अपना कर्म का फल मान करके भोग लो, और भगवान की भजन करते रहो, ठाकुर जी की भक्ति करते रहो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा बोली जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्मा जी और एक अच्छी बात है, ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आए ना, जीवन में हंसते हंसते भोग कर लो, दुखी मत रहो, हंसते हंसते उसको भोग कर लो। और जीवन में जो कुछ आता है समझना, ये ठाकुर का कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। तब एक कथा सुनाते हैं, बोले एक राजा और एक मंत्री थे। एक दिन ये राजा मंत्री दोनों जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते राजा का एक कनिष्ठ अंगुल कट गया। बोले महामंत्री अगर ये अंगुल कट गया, लेकिन मंत्री बड़ा भक्त है, हर बात बात में मंत्री कहता था भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भगवान कभी पूरे कर ही नहीं सकते, क्यों? भगवान मंगलमय है। बोले मेरा अंगुल कट गया, तुम बोलते हो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मंत्री फिर बोला देखो ठाकुर जी कभी अमंगल किसकी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी मंगल हैं। बोले जो कुछ करते अच्छे के लिए करते, बोले हाँ उनके करने तो कभी भूल हो ही नहीं सकती। बोले तेरे को भी कहा, राजा ने किया क्या मंत्री को ना, एक अंधकार कुआ उसको धक्का मार कर उस कुएं में गिरा दिया। पर ठाकुर जी जो करते अच्छे भी करते ना, कि कुएं में गिरे पड़ जाओ। राजा वापस आ रहे थे, इतने में जंगल में एक डाकू का सरदार था, उसने माता देवी को पास में मनोदी किया था, माता जी अगर मेरे घर में बेटा की जन्म हो जाए ना, तेरे पास एक में नरबलि दूंगा। अभी घर में कैसे कि बेटा की जन्म हो गई, वो डाकू ने कहा जा जंगल में जो कोई मिले उसको पकड़ करके ले आओ। अभी घूमते घूमते मिले राजा, राजा बड़े सुंदर थे देखने में, लंबे चौड़े, बोले मैया तो बड़ी खुश हो जाएगी। उनका स्नान खान कराया और देवी को सामने जो बलि चढ़ाने जा रहे थे, राजा तो कांप रहा था और उन्होंने उठाया था तलवार मारने के लिए, इतने में देखा इसका अंगुल कटा हुआ खून गिर रहा था। नियम है माँ देवी को पास में वही बलि चढ़ सकता है जो पूर्ण शरीर हो, शरीर अगर पूर्ण नहीं हो माँ की चरण में वो बलि चढ़ ही नहीं सकती है। उन्होंने उठाया था, देखा खून टपक रहा है, फिर तलवार को नीचे कर दिया, बोले महाराज
ये मैया देवी की भोग की लायक है नहीं, क्यों? इसका अंगुल कटा हुआ, इसको छोड़ दो। जब छोड़ दिया, राजा ने देखा मंत्र तो सही बता रहा था, भगवान जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं, अगर मेरा ये अंगुल कटा हुआ नहीं होता तो मैं पूरा में बुरा ही बन चढ़ जाता। उसको पूर्ण विश्वास हो गया मंत्री को पास को करने। उसने वापस आया, वो मंत्री को जो गिराया था ना अंधकार कुआं से निकाला और उसने सारी बात को बताया ऐसे ऐसे। बोले मंत्री मेरे बात में ये समझ में आ गई, ठाकुर जी मेरे लिए जो कुछ किए अच्छे के लिए किए, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, मैंने तब से अभी तक तेरे को ये अंधकार कुएं में मैंने गिरा करके रखा, तेरा क्या कल्याण हुई? मंत्री ने कहा भैया तेरा थोड़ी कल्याण, कल्याण तो मेरा ही हुआ। बोले कैसे? बोले अगर तो मेरे को ये कुएं में धक्का मार करके नहीं गिराता, फिर दोनों जाते तो तेरा अंगुल कटा हुआ रहता तो छोड़ देते, और मेरा पूरा ये पूरा शरीर था मेरे को ही मैया के चरणों में रखा। फिर तो राजा को पूर्ण विश्वास हो गया है। इसलिए ब्रह्मा यही कह रहे हैं, जीवन में जो स्थिति आए ना, समझना ये सबसे बढ़िया स्थिति है। जैसे आप इसको भजन की बात करते हैं, तो अभी बढ़िया स्थिति नहीं, अभी बेटे बेटे अभी छोटे छोटे हैं, बेटियां अभी छोटी छोटी हैं, ये बेटियों का साथ ही सुधा हो जाए ना, फिर तो हमको चैन मिलेगा, फिर तो हम भजन करेंगे। बोले नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं तब भी बढ़िया जीवन में स्थिति आएगी जब तुम भगवान की भजन करोगे, भक्ति करोगे, और जीवन का समस्या कभी हल होती नहीं, एक बार में दूसरे दूसरे में तीसरे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ठाकुर जी जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में रहते हुए भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो। पर ब्रह्मा जी ठाकुर जी को तीन बार उन्होंने परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी वहां से चल दिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब भगवान कृष्ण जब उन्होंने वृंदावन में किसी दैत्य को वध किया, नारद आए, बोले प्रभु जी आप तो ब्रज लीला में इतने डूब गए हो, आप अपना को भूल गए, आप क्यों और किस लिए? इसका एक उदाहरण कम कर दो। प्रभु जी आप तो यहाँ पर एक एक दैत्य कोई आए उसको मार डालते हो, अभी तो बहुत सारे दैत्य पड़े हुए हैं, कंस हैं, वहां पर चारु मुष्टि जरासंध काल जवन, अभी कितने दैत्य को मारना? बोला प्रभु अभी कैसे काम नहीं चलेगा, थोक दर का काम सुन करो, अगर आपकी आदेश होना मैं मथुरा में जाकर कंस को बोल दू आप बना दू। बोले बना। इतने में श्री नारद आकर के कंस को भड़काया, बोले जानते हो कृष्ण बलराम कौन? बोले कौन? बोले ये आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, ये कृष्ण बलराम नंद जसोदा के बेटा है। वसुदेव तो बताया था तेरे को अष्टम का संतान देने के लिए, लेकिन तू तो रात को सो गया और राता रात पहुंच जाके भूख हुई। ये बलदेव प्रभु भी वसुदेव का बेटा, ये दोनों ही उनके बेटे हैं। कंस को तो क्रोध आया और तलवार निकाला, बोले अब भी अभी देवकी वसुदेव को मार डालता हूँ। बोले जोश में होश को मत खोया करो, जैसे तुम एक एक दैत्य को भेजा कृष्ण मार डाले, अभी भी तेरे पास में तुम आठ हाथ भाई हो, चारों मुष्टि साल तोसल कुबलिया हाथी, तुम धनुष यज्ञ की बहाना करा के कृष्ण बलराम को बुलाओ और यहीं पर पाए। तो उन्होंने अंकुर को भेज दिया कृष्ण बलराम को लेने के लिए। जब ब्रज गोपियों को मैया जशोदा को पता चला, रात भर ब्रजवासी रोते रहे, गोपियों को ऐसे लगा कृष्ण जा रहे तो आए कि नहीं, रात भर गोपियां विधाता को निंदा करती रही, मैया जशोदा इतने दुखी हो गई। अभी सवेरे कृष्ण स्नान करके बलराम अभी रथ में बैठ रहे थे, इतने में गोपियां तो आ करके रथ का मैया को नीचे लेट गई। बोले कृष्णा अगर तू जाओगे ना हमारे ऊपर रथ को चला दिए चले जाओ, हैं हमको मार करके चल जाओ। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके परसु आ जाऊंगा। इसलिए ब्रज में अभी भी गांव का नाम है सी परसु। मैया जसोदा इतने दुखी हो गई, मैया ने मटकी में मक्खन और मिश्री लेकर के धर दिया। बोले लाला अगर कहीं भूख लगे ना लाला तू खा ले, मैया को पता है कि मिनट मिनट में मक्खन मिश्री के लिए हाँ रोता है, देखो
बेटा जितना बड़ा हो जाएगा ना, मैया सामने बेटा बेटा ही रहता है। भले ही बेटा हो गया बहुत बड़ा डॉक्टर, दूसरों को बीमारी में सही करता, अगर बेटा बाहर जाता होगा ना, मैया बोली कि बेटा साथ में सल ले जा, भोजन ले जा, अगर भूख लगे तो उसको खा लेना। लेकिन बेटा क्या करता है, दूसरों को सही करता है, लेकिन मैया को सामने बेटा भी बड़ा होता ही नहीं, हर समय बेटा बेटा ही रहता है। अभी कृष्ण बलराम जब गए, अभी राधा रानी बीच में लेट हुई रास्ता को, बीच में शरीर से इतनी ज्योति निकल रहा था, एकदम चतुर्थी को उजला उजला हो रहा था। अभी भी वो गांव का नाम है बिजबारी, बिजली जैसे राधा रानी के शरीर से तेज निकल रही थी। राधा रानी को बड़ी तरह से कृष्ण समझाए, और जब भगवान कृष्ण गए, इतने में गोपिया सोच रही थी तो कृष्ण वापस याद आ जाएगी, कृष्ण वापस याद आ जाएगी। धीरे धीरे देखते देखते रात उजाला हो गया, फूल भी उजाला हो गया। इतने में ब्रज गोपिया वही पर ही गोविंद नमो धर्माधवेदी, 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 गोविंद लेकर के पहुंचे यमुना किनारा ब्रह्म महाराज के पास में, फिर तुम दोनों बैठो, मैं यमुना में स्नान करता हूँ। अक्रूर जी के मन में कुछ शंका थी, कृष्ण इतने छोटे छोटे और कंस इतना बड़ा क्या मार सकते हैं, लेकिन जब स्नान करके अंदर में डुबाना, फिर भगवान अंत नाग पूरे सह, क्योंकि सारे देवता भगवान स्तुति कर रहे थे। कृष्ण बलराम दिखाए, देखो चाचा जी हम साधारण नहीं है, हम ही नारायण है, आप चिंता मत करो। फिर जब आगे गए, थोड़ी सी दिन था, ये मथुरा से पहले उन्होंने अपना तंबू डाल करके वहीं पर रुके। कृष्ण बलराम बोले पिताजी थोड़ी सी मथुरा दर्शन करके आ जाए। नहीं ये वृंदावन नहीं, मेरे को पता था तुम लोग बड़ी चलो, यहाँ पर कंस का राजत्व, अगर कोई छिड़खानी थोड़ा कर दिया ना सीधा जल में बंद कर देगा कंस, कल जब मैं चलूंगा मेरे साथ में चली हो। कृष्ण बलराम सोच रहे हैं कि बड़े बुढ़ों को साथ में जाकर आनंद नहीं, ये बात बात टोकते रहे आनंद कब आता है, बराबर उम्र वालों के साथ में जाओ, हंसते खेलते हैं मस्त हो गए जाओ। बोले पिताजी हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे और सीधा आएंगे। बोले जाओ जाओ इनको लेकर के जाना, छेड़खानी नहीं करना। बोले नहीं पिताजी, जब मथुरा में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही मथुरा वासी तो कृष्ण बलराम को दर्शन के लिए तरस रहे थे। क्यों सुना, छह दिन में घुटना मार, एक साल में सकटा सुर, महीना में तृणा वर्त, चार साल में बतासुर, पांच साल में अघासुर, छह साल में कालियों के सर पर नृत्य की, इसलिए ब्रजवास तो तरस रहे थे कब कृष्ण दर्शन मिले। जब सुना कृष्ण बलराम आए, क्या सुंदर उनकी जोड़ी, एक पीतांबर और नीलांबर, लग रहा था मानो एक साथ में चंद्र सूर्य प्रकट हो गए, दोनों मतवाला हाथी जैसे चल रहे थे। अभी जिस गली में जाना उसी गली में ही जयकार, बोले श्री कृष्ण बलराम की। अरे जोर से जयकार लगाओ, बोले श्री कृष्ण बलराम की। सारा दुनिया में जय जयकार रघुल की गोचार हो रही थी। सखान बल कन्या तेरे को ये मथुरा वासी क्या जानते हैं, तू जिस गली में जा रहे हो जय जयकार, मतलब तेरे को तुम लोगों को पता नहीं ये कंस का मैं खास हाँ, ये मेरे चाचा लगते हैं, इसलिए तभी तो मेरे को बुला करके लाए हैं। बोले तू पहले क्यों नहीं बोल दिया, थोड़ी थोड़ी चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके आते। बोले आगे चलो देखा धोबी सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम जिसमें, और सर पर लेकर के जा रहे थे कृष्ण कृष्ण बलराम ने कहा भैया थोड़ी सी हमारे सहाओं को पहना देते। बोले कहाँ ग्वाला गैया को पीछे पीछे घूमने वाले वृंदावन जंगल में रहते हो, ये राजा श्री कंस का वस्त्र
और इसको पहनने की तरह हमारे शौक हो रहे हैं है? अगर ज्यादा बोलोगे ना कम से जिस काम के लिए बुलाए ना वो काम हम कर देंगे। बोलो भैया ज्यादा ही बोल रहा है, इतने में कृष्ण एक थप्पड़ मारी और एक थप्पड़ मारे तो उनका सर से शरीर अलग हो गया। बोलो भैया क्या हाथ में क्या कहीं अस्त्र पीट करके रखे हैं। इतने में बोले भैया वही कृष्ण बलराम जो अघासुर बकासुर मारे सारे कपड़ा की पटली छोड़ भागे। कृष्ण बोले उठा लो अपना मन मर्जी वस्त्र को, लेकिन वो तो वस्त्र कंस के लिए था। सारा लोग तो छोटे छोटे जब वो वस्त्र पहन कर चलने लगे ना रोड साफ होने लगी। बोले अच्छा नहीं लग रहा है। सामने गए दर्जी देखा बोले भैया हमारे सखाओं का साई जी का थोड़ी सी बना दो, बड़े सुंदर हमने साई जी की बना दिया, उनका आशीर्वाद दिया, जाओ फलते फूलते रहो। भगवान का आशीर्वाद है ना, देखना अभी जितना टेलर लोग है ना फलते फूलते जा रहे हैं। कोई भी वस्त्र सिलाई करने के लिए जाओ 400-500 रुपया से कम नहीं होगी, ठाकुर का आशीर्वाद देख दो करेंगे। आगे गए सखा ने बोले भैया थोड़ी सी है गले में सुंदर माला हो जाता तो आनंद आ जाता। सुदामा माली के पास में गए, बड़े सुंदर उन्होंने माला पहना दिया, ठाकुर उनको पर में भी कृपा की। बोले कन्हैया एक चीज की कसर रह गई, बोले किस चीज की, बड़े थोड़ी सी तिलक हो जाए ना आनंद आ जाए। बोले आगे चलो उन्होंने कुबजा को देखे, ये रोज कल से वो तिलक लगाया करती थी, और उन्होंने कुबजा को देखे बोले ओ सुंदरी सुंदरी, वो तीन जगह से चढ़ी थी। बोले भैया मेरे को सुंदरी कौन बोल रहा है, अभी तो मेरे को देख करके बच्चे भाग जाते थे, सुंदरी कौन बोल रहा है। देखा बड़े सुंदर कृष्ण बलराम बड़े सुंदर। बोले मेरे सखाओं को हमको थोड़ी सी चंदन से स्वीकार कर दोगे, बोले प्रभु आपको नहीं करूंगी तो किसको करूंगी। बड़े सुंदर सखाओं को कृष्ण बलराम को बड़ा सुंदर उन्होंने तिलक लगा दी। देखो यहाँ सिखा देते हैं ना, जब तक तुम्हारी तिलक नहीं हो तब तू पूरा थी, इसलिए सखा लोग भी कहते कन्हैया तिलक के बगैर शोभा नहीं है, आपका ललाट बेच रही है, लेकिन आप थोड़ी सी तिलक लगा लो देखना आपका चेहरा चमक में आ जाएगी। लगेगा जैसे ना आप कोई गोपी हो, आप तिलक लगाओ देखोगे कोई गोपी, आप देखो गोपियों को देखो तिलक लगाएंगे हैं, तिलक लगा देखो ये विदेशी आए ना ये अंग्रेजी में आए देखो ये कैसे ये सब तिलक लगा रहे। लेकिन हम लोग भारत के होकर ना तिलक लगाएंगे लोग देख कर क्या बोलेंगे है, लोग देख कर हमको क्या बोलेंगे। लेकिन जीन्स पहन सकते हैं उसको देख कर कोई शर्म नहीं, लेकिन तिलक लाने के लिए हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। भगवान दुनिया का मालिक कृष्ण तिलक लगाएगा, राम दुनिया का मालिक तिलक लगाएगी नहीं, नारायण दुनिया का मालिक तिलक लगाएगी नहीं, राधा रानी की तो वो भी तिलक लगाएगी, केवल हमारी प्रेस्टीज नष्ट हो जाएगी अगर हम तिलक लगाएंगे नहीं। इसलिए सबके साथ तिलक लगानी चाहिए, ऐसे बूंद नहीं तिलक ऐसे बूंद नहीं लगाते, जैसे कृष्ण लगाए जैसे राम लगाए जैसे नारायण लगाए ऐसे तिलक लगाना, छोटा नहीं छोटा तिलक की कोई शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। ये ऊर्ध्व पुंड है, ऊर्ध्व मतलब होता है जो हमें ऊपर ले जाए ठाकुर तक ले जाए, अगर बूंद लगाए ना घूमते रहोगे यहीं पर घूमते रहो, इसे भगवान की कहीं बूंद तिलक है ही नहीं कृपा कहीं नहीं। अब देख लेना हनुमान जी को देख लो, राम को देख लो, लक्ष्मण को देख लो, सबके ऊर्ध्व पुंड तिलक होनी चाहिए। और ये गोपी चंदन है, देखो ये जो दो लाइन है ये ठाकुर का बांके बिहार की दो चरण है, उसका नीचे का भाग देखो जैसे ठाकुर जी के चरण में हम तुलसी पत्ता दल देते हैं ना, इसका सेब देखो तुलसी पत्ता जैसे, मानो ठाकुर जी के चरण में तुलसी दल दिया है, ये इसकी भावना है। तिलक की बड़ी महत्व है, पुराण में पढ़ करके देखो जो व्यक्ति तिलक लगाते हैं उनके शरीर में सीता सावित्री गीता पार्वती राधा दुर्गा सब देवियों की निवास होता है उनके शरीर में। जो तिलक लगाते हैं उनके शरीर में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी ये सारे तीर्थ की निवास होता है। और ये जो तिलक ये गोपियों की चरण थी, पहले मैं बताया था ना ये नारद ब्रज रज लेकर के द्वारका में गए, वहाँ भगवान के स्नान कराए गए, वहीं से ये तिलक आता है। ये पृथ्वी में ऐसे रंग का मिट्टी कहीं नहीं मिलती, केवल द्वारका में ही मिलता, इसलिए सखा लोग कह रहे हैं बोले कन्हैया एक चीज की कसर रह गई तिलक की कसर रह गई, थोड़ा तिलक हो जाए ना फिर आनंद आना। फिर कुब्जा ने तिलक लगा दी, सखा ने बोले कन्हैया
तेरे को तो लेना ही आता, तू देना सीखा नहीं। बोले किसी बात बोले देख तीन जगह से टेढ़ी गई थी। बोले हम मैं भी तो टेढ़ा हूँ ना, ये भी टेढ़ी है, तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी नजरिया, टेढ़ा तेरी तो दोनों बढ़िया बन रहा है। बोले कन्या थोड़ी सी सीधा कर दे। इतने में कृष्ण उसको प्यार के ऊपर एक प्यार रखी, कमर में एक प्यार, थोड़ी में एक प्यार, ऐसे झटका मारे ना पूरा सीधा सत्ता बन गई। और भगवान की हस्त स्पर्श से इतने सुंदरी उसने बनी, विश्व सुंदरी जैसे, विश्व सुंदरी जैसे बन गई। और अपना रूप को देखा ना तो संभाल नहीं पाई, अपना काम को कृष्ण को कपड़े को पकड़ ली। बोले कृष्ण ये रूप तुमने दिए है, इसको तुम ही भोग सकते। बोले शर्म नहीं लग रहा है, यहाँ पर जेठ ताऊ भैया खड़े हुए, तू कपड़े पकड़ नहीं, अभी नहीं, अभी मैं तनसा माँ को उधार कर तेरे पास आऊंगा। जो पहुंचे कहाँ पर, वो धनुष, यहाँ पर वो धनुष, किसका धनुष, परशुराम का। जब कंस त्रिभुवन के ऊपर में विजय प्राप्त करते करते जब परशुराम के पास में गया ना, परशुराम ने कहा मेरे साथ में युद्ध किया करो, मेरे धनुष को उठा दे। सचमुच से वो इतना पराक्रम था, भगवान का धनुष को कंस उठा दिया। परशुराम ने कहा धनुष को ले जा, लेकिन याद रख ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकते, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता, याद रखना। वहां बड़े बड़े पहलवान गिरे हुए थे, कृष्ण बलराम वहां पर पहुंचे, जिसको 400 व्यक्ति उठाने वाले। कृष्ण ने कहा दाऊ भैया थोड़ी सी धनुष को उठा कर देखो। कृष्ण पर 11 का है, जितने बड़े बड़े पहलवान बोले देखो पागल जैसे बात करता है, 400 व्यक्ति जिसको उठाता बोले उसको उठाएगा। देखते देखते कृष्ण को छलांग लगा दी अंदर में, और जैसे भगवान राम जैसे लीला की ना, ऐसे उन्होंने पकड़ा धनुष और उन्होंने उठा दी। जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए, धनुष दो टुकड़ा धनुष हो गया, और उसको देख करके जितने बड़े बड़े पहलवान थे बोले भैया ये भगवान का धनुष तोड़ दिया, मारो 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 पिटो। कृष्ण बलराम धनुष का दो टुकड़े लिए, बोले कुछ तो है नहीं हमारे हाथ में बंसुरी चलाए, ऐसे पिटाई करना, सूर किया वहां भगदड़ मच गया, सब भाग गए। कंस को जा करके बोले महाराज कंस कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया, अभी उनको याद आ गया, भगवान की बात याद आ गया, उसको कोई तोड़ नहीं सकते, जो तोड़ेगा तेरे को कोई छोड़ नहीं सकता। बोले ये नारद जी बड़ा बदमाशी, क्यों मेरे को बताया कृष्ण बलराम के लिए, मैंने बिना कारण से बुलाया, मृत्यु आ गई। बोले दूसरे दिन इनके मल्ल युद्ध होगी, हैं मेरे लिए उच्च सिंहासन बनाओ, और कृष्ण बलराम का साथ में, और चारों मुष्टि की सल तोसल की मल्ल युद्ध होगी। जब भगवान वहां प्रवेश की, जिसकी भावना रही जैसी हरी मुरत देखी, एक साथ में भगवान के स्वरूप में 12 रस प्रकट हो रहा था। माताएं देख रही थी इसका दूध दांत भी नहीं टूटा, स्त्रियां देख रही थी साक्षात काम दे, ऋषि लोग दे रहे थे परतत्व, और श्री कंस देख रहा था कार, चरण मुष्टिक देख रही थी वज्र संख्या। अभी कृष्ण बलराम में चरण मुष्टिक की जब युद्ध हुई, युद्ध होते होते बलदेव प्रभु कृष्ण देखते देखते चारों को धोबी पछाड़, धोबी पछाड़ जानते हो, जैसे कपड़े पकड़ करके कई से मारते हैं, एक धोबी पछाड़ मारे तो वही समाप्त। बलदेव प्रभु बोले तेरा नाम क्या, बोले मुष्टि। बलदेव प्रभु उठाया एक मुष्टि, मार एक मुष्टि, और एक मुष्टि की मैं छक्का छुड़ा दी। इतने में सल तो सल आ गए, और देखते देखते उनको भी मार डाले। कंस ऊपर बैठा दिया, बैठा था, बोले हे भगवान इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने बड़े बड़े पहलवान को भिसाप कर दिया, बोले इनको जेल में बंद करो, मार डालो। बोले मामा जी बड़ी ऊंचे सिंहासन में बैठे बैठे करके हाथ हिला हिला करके बात कर रहे हो। कृष्ण एक छलांग लगाए और सीधा पहुंच गए कंस के पास में। कंस को ये कहां से आ गया, इतने में पकड़ा उसको चोटी को। बोले मामा जी याद है मेरी मैया की चोटी आपने पकड़ा था ना, जो लोग स्त्रियों के ऊपर में अत्याचार करते हैं उसको दंड देने के लिए मैं आ गया हूँ। पकड़ा चोटी को, एक झटका मारे, मारते नीचे गिरा दिए, और नीचे गिरते गिरते कंस का राम नाम सत्य, इसका राम नाम सत्य हो गया। और इतने में कृष्ण आकर के ऊपर में गिरे, कंस की दो पत्नी अस्थि और प्राप्ति ये आकर के रोने लग गए। कृष्ण भी ऊपर में थोड़ी रोए, बोले मामा मामी मामी
मामा कितने अच्छे थे, मैं तो ऊपर गया था मामा जी से मिलने के लिए, मेरे को क्या पता था इतनी जल्दी करेंगे, उनका प्यार सीख हो गई, अच्छा हुआ मामा नीचे में ऊपर आ गया, अगर मैं नीचे होता ना मेरा भी राम नाम सत्य हो जाता। कृष्ण भी थोड़ा रोए, फिर लेकर के उन्होंने ध्रुव घाट में संस्कार की और मथुरा में आए गए होंगे, विश्राम घाट में प्रभु स्नान करके जहाँ पर विश्राम किया उसका नाम दत्तश्रवटीला है, जहाँ पर भगवान ने अपना स्वयं को दूर किया था। जब पता चला जरासंध को, उनकी दो बेटी अस्तियर किए, जब दो पत्नी को जब उनको जब पता चला जरासंध को, उनने 70 बार आक्रमण किया मथुरा को, पर भगवान पकड़ते और छोड़ देते थे। बोले क्यों, वो ये सारे दुष्टों को ये पकड़ पकड़ कर लाएगा, हम बैठी बैठ कर यही पर मारेगी। लेकिन 18 बार में जरासंध को पता चला कृष्ण कौन है, बोले नमो ब्रह्मण देवाय वो ब्राह्मण हिताय, भगवान कृष्ण ब्राह्मण का देवता ब्राह्मण को रखते हैं। जब उनको पता चला उसने किया कि कुछ ब्राह्मणों को एकत्र करके ले आए, बोले भगवान का ब्राह्मण तो मारेंगे नहीं, अरे भगवान ने देखा भैया हमारे देवता को पकड़ करके लाए, ब्राह्मण तो मेरे देवता है, मेरे को पूजा करता हूँ, इतने में कृष्णा रण छोड़ करके चले गए, इसलिए प्रभु का एक नाम रण छोड़ नाम पड़ गया। बोले श्री रण छोड़ भगवान की जय, जय श्री एक साथ में काम जबन एक तरफ में जरासंध दूसरे तरफ में, जब दोनों आक्रमण की बोले भैया अभी क्या करें, अगर हम एक तरफ में युद्ध करने जाते हैं ना दूसरा आकर के फिर हमें ये मथुरा को आक्रमण कर लेगा, बोले क्या करें। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया, बोले समुद्र के बीच में तुम द्वारकापुरी बनाओ, जोग माया भी बोले जितने मथुरा के व्यक्ति है उनको राता रात पहुंचा दो द्वारका में। जब उन्होंने सवेरे देखा ना जितने मथुरा वासी सबके सब समुद्र के बीच में, वो जब मिले चारों तरफ में पानी पानी, इसलिए उसका नाम पड़ गया द्वारका। द्वारका मतलब द्वार कहाँ है, क्योंकि जब निकले चारों तरफ में पानी पानी इसलिए उसका नाम पड़ गया द्वारका, मतलब द्वार कहाँ है, द्वार है। बोले द्वारका जी से भगवान कृष्ण रुक्मिणी बनाया है, कृष्ण रुक्मिणी बने हुए ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम जय, जय श्री राम जय, जय श्री राम। देखो हम लोग ने 7 दिन तक कथा हमने सुनी है, कितना दिन तक कथा सुने हो, हम लोग ने 7 दिन तक कथा सुनी है, इसलिए कथा सुनने के बाद नियम है कुछ ले करके जाओ और कुछ दे करके जाना चाहिए, ऐसे नहीं कथा समाप्त तो और हम भी समाप्त हो, नहीं कथा की कुछ असर पड़नी चाहिए, कथा को अपना जीवन में कुछ उतार करके लेनी चाहिए। देखो एक समय एक व्यक्ति एक दुकान में मूर्ति खरीदी करने के लिए गया, देखो भागवत का सार बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, देखा 3 मूर्ति है, 3 मूर्ति में उन्होंने पूछा भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है, बोले ये जो मूर्ति है इसका ना कीमत है 100 रुपया, बोले दूसरे मूर्ति बोले इसका कीमत है 500 रुपया, बोले तीसरा मूर्ति बोले इसका कीमत 5000 रुपया। बोले भैया तीनों मूर्ति तो बराबर है, अरे तुम ये अलग अलग क्यों बता रहे हो, बोले 3 गिलास पानी लाओ अभी मैं बताता हूँ ये 3 मूर्ति में क्या फर्क है। जिसका कीमत था 100 रुपया जब उसको कानों में पानी डाला ना तो जिधर पानी डाला वो उधर से निकल गया कान में, बोले इसका कीमत है 100 रुपया, मतलब ये जो सुनता है ना बस जितना समय सुने सुने यहाँ से निकलते ही इधर निकला इधर सुना और उधर ही निकाल करके चला गया, ये इसका कीमत है 100 रुपया। दूसरे मूर्ति उसका कान में पानी डाला जब इधर डाला ना सीधा इधर निकल करके आ गया, दूसरे तरफ में आ गया, बोले ये तो सुनता है लेकिन इधर सुन करके इधर निकाल देता है इसलिए इसका कीमत है 500 रुपया। अभी तीसरे मूर्ति का कान में पानी डाला तो जब पानी डाला इधर तो पानी डाला वो एक बूंद भी बाहर नहीं निकला, वो पूरा का पूरा अंदर में चला गया,
बोले इसका कीमत है 5,000 रुपया, क्योंकि ये जो जो सुनता है ना वो एक बूंद भी बाहर नहीं निकलता है, ये पूरा का पूरा अंदर में ले जाता है। इसलिए हमें कितने रुपया की श्रोता हमें होनी चाहिए बता? 5,000, ठीक है ना, 5,000 बुद्धि की श्रोता होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ने 7 दिन की कथा सुनी है, इसलिए कुछ ले करके जाओ और कुछ दे करके जाओ। बोले भैया ले करके क्या जाएंगे और दे करके क्या जाएगी? गुरुदेव की कृपा से बात करोगे तो प्रभु की भक्ति लेकर के जाओ, भगवान की प्रेम लेकर के जाओ, प्रभु का भक्ति लेकर के जाओ। बोले दे करके क्या जाओगे? बोले जितने गंदी चीज यहीं पर छोड़ दो, सारे गंदी चीजों को यहीं रह करके जाओ। बोले भैया गंदी क्या? इसलिए हम लोगों ने पहले सुना था जब परीक्षित महाराज राजयुद्ध कर रहे थे, कैसे ये कली प्रवेश करने के लिए कोशिश कर रहा था। मैंने कली को उन्होंने निग्रह किया है, कली को उन्होंने दंड दिया है, हैं? मतलब उन्होंने कली को चार ही जगह पर कली को उन्होंने स्थान दिया। इसका मतलब है कली युग में अगर चार नियम को पालन कर ले, केवल चार नियम ही पालन कर दो, ठीक है ना, और थोड़ी सी भगवान के नाम कर दो, बस कली युग केवल नाम आधा रहा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही मारा। इसलिए हमें चार चीज को यहाँ छोड़नी चाहिए। बोले पहला चीज क्या? बोले दूतम। दूतम मतलब होता है जुआ हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमने पहले सुना था धर्म का पहला चरण है सत्य। जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते, वो झूठ को बड़े झूठ, झूठ को बड़े झूठ बोलते हैं। इसलिए जीवन में हमें जुआ कभी नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज से क्या दिया, देखो मैं धर्म स्वरूप हूँ और ये जुआ खेल कर मेरे कितने सत्यानाश हो गए, राज्य गया, भाई गए, वस्त्र हरण देखना पड़ा, 13 साल तक जंगल में बैठ गए। इसका मतलब है अगर जुआ खेलोगे ना, कोई जुआ खेल कर पैसा वाला नहीं हुए, वो जितना पैसा जितना सब पैसा उड़ा दो फिर। इसलिए खबरदार भी जुए में हाथ मत लगाया करो। दूसरा है पानम, किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु आप मत लो। नस्ली वस्तु में पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, ये गंदी चीज को नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले बताया था ये गुटखा भी ऐसे की चीज है ना, धीरे धीरे सब गुटखा खाने लगे। नहीं, गुटखा का पहला घर क्या बताओ तो? बताओ गुटखा का पहला घर क्या? जोर से बोलो गू। ये गुटखा नहीं है, ये क्या है? अरे बोलो कोई गू। इसलिए ये चीज को नहीं लगी, जिसने ये गुटखा का फैक्ट्री निकाला ना वो स्वयं कैंसर में मरा है, स्वयं तक कैंसर में मरा, सब दुनिया को मरवा करके उसने लिया। इसलिए और शराब मैंने पहले बताया था ना, शराब पीने पर 3 लाभ है। क्या 3 लाभ है? पहला लाभ वो बूढ़ा नहीं होगा, दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी, तीसरा लाभ कुत्ते उसका दोस्त बनेगा। कब होगा? जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा, इसलिए वो जिंदा ही नहीं रहेगा, बीच में खत्म हो जाएगा पी पा करके। दूसरा लाभ चोरी नहीं होगा, बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ होगा तभी चोरी होगी, वो सब बेच बाज कर पी पा कर खत्म होकर। चौथा नंबर कुत्ते दोस्त बनेगी, कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर के मुंह चाट जाए। इसलिए ये सब नस्ली वस्तु से दूर रहनी चाहिए। और मैंने एक बात बताया था, ये चाय भी नहीं पीनी चाहिए। मुझे लगता है चाय आपके लिए छोड़ना बहुत कठिन होगा, लेकिन तब भी कोशिश करना। मैंने पहले बताया था ना कैसे अंग्रेजियों ने अपना बिजनेस को चलाने के लिए कैसे बिना पैसा पैसा नहीं बिना पैसा नहीं 1 रुपया 25 पैसा देते थे, क्यों? हमारा बिजनेस चले, पर 1 रुपया देने शुरू किया, पर 50 पैसा, पर 25 पैसा, बोले पैसा नहीं दे सकते, पर पैसा निकालो, 25 पैसा निकालो, 50 पैसा दो, 1 रुपया दो, 5 रुपया, अभी कितना 10 रुपया दो, इतनी सी चाह, 10 रुपया में इतना चाह कर क्या हुआ। लेकिन हम कभी कभी कहते हैं अरे सफर इतनी सी चाह पी लो, दोपहर तक चिंता नहीं, मतलब क्या? उसमें निकोटीन और कैफीन जहर है, हमने वो चाह नहीं पिया, हमने जहर पी करके पेट का भूख हमने खत्म कर दिया है। अब देखना जो लोग शराब पीते हैं, वो शराब पीने का समय आ जाए वो शराब नहीं पिए, क्या होता है? बेचैनी सा होने हो जाता है। आप जो चाय पीते हो, अब चाय पीने का समय जाए, आप चाय पर पियो, क्या होता है बताओ? आप लोग बताओ क्या होता है?
ये सर दर्द होता है क्यों? कुछ चाय है, कुछ जहर है, ये चाय नहीं है। लेकिन देखो आप लोग रामदेव बाबा का योगा देखे होंगे, तो हमारा आयुर्वेदिक सिद्धांत क्या कहता है, सवेरे उठ करके चाय पियो ना सवेरे उठ करके पानी पियो, बताओ पानी पियो ना चाय पियो, पानी ये हेल्थ के लिए अच्छा है। रामदेव बाबा कहते ना सवेरे उठ करके मुंह में एक दवा होता है, सवेरे उठ करके जो मुंह में एकदम सवेरे सवेरे भ्रू करने से पहले पियोगे ना मतलब बढ़िया दवा मुंह का अंदर में रहना, इसको पियो तो बहुत बीमारी नष्ट कर देता है। ये हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांत है, चाय पीने के लिए नहीं होता है। इसलिए कोशिश करना एक हर्बल की कुकुर टी मिलता है, धीरे धीरे दूध पियो ना दही खाओ, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज हम जहर पी तू पियेंगे, कोशिश करना धीरे धीरे अगर छोड़ सकते तो कोशिश करना छोड़ने के लिए, धीरे 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 आस्ता 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 कम करो ठीक है। और इसको पीने से पता है तपस्या नष्ट हो जाएगी। जो तीसरा चीज है कहते स्त्री, बोले स्त्रियों को ऊपर में ये कली का निवास है, बोले कौन सा स्त्रियों में ये कली का निवास है, बोले जो अवैध रूप में जो स्त्री पुरुषों से मिलते हैं और पुरुष जो स्त्रियों से मिलते हैं बगैर शादी के संसार करो, शादी सुधा करके पति पत्नी अपना घर गृहस्थी सब घर गृहस्थी बनाओ, बगैर शादी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके घूम रहे हो, ये शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए इतना लड़ाई झगड़ा डाइवोर्स फाइवोर्स इसलिए सारी चीज हो रही है। ये धर्म का तीसरा पवित्रता, इससे पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा नंबर है जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब है मांस मछली अंडा ये प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। मुझे लगता है इधर तो कोई मांस मछली तो खाते नहीं, कोई खाते ही इधर कोई मांस खाते खाते हैं। देखो धीरे धीरे ये अंडा भी आना शुरू हो गया, इसलिए अंडा भी नहीं खाओ। देखो आप लोग महाभारत देखे होंगे, जब महाभारत समाप्त हो गया अभी गांधारी के 100 बेटे मारे गए, आप अगर एक बेटा अगर किसी माँ का बन जाएगा गगना रो रो कर पागली बन जाती है, जिसकी 100 बेटे मर गए होंगे क्या स्थिति होगी। तब गांधारी धृतराष्ट्र कृष्ण के पास में गए, बोले कृष्ण ये बताओ मेरे को 100 बेटे क्यों मरना देखना पड़ा। कृष्ण उनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाई, बोले देखो धृतराष्ट्र एक दिन तुमने जंगल में मृगया खेलने के लिए गया और इतनी जोर से भूख लग रही थी एक पेड़ को नीचे तो बैठ गया और उसी पेड़ ऊपर में चिड़िया की घोंसला थी, वो चेचा चेचा कर रहे थे, तुमको पता चला ये चिड़िया की घोंसला है। तो पेड़ के ऊपर में चढ़ा देखा वहां पर अंडा चिड़िया से अंडा दे कर रखे थे, तुमने 100 अंडे को तुमने खाया और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है, तुमने अंडा नहीं खाया तुमने 100 बच्चों को खाया, इसलिए इसी जीवन में तुम्हें 100 बेटों का मृत्यु देखना पड़ा, ये महाभारत की कथा है। इसलिए कोशिश करना अंडा फंडा में नहीं खाने के लिए। भगवान देखो भगवान ने शरीर को पूरा बनाया, बताओ भगवान पूरा बनाया कि नहीं, हाथ पूरा बनाया, सर पूरा बनाया, पैर सब कुछ भगवान पूरा ही बनाया, लेकिन इतनी सी जगह प्रभु ने केवल छोड़ा है, इतनी सी जगह प्रभु नहीं पूरा है, प्रभु इतनी सी जगह पूरा नहीं बनाया और पूरा शरीर को उन्होंने पूरा बनाया, इतनी सी जगह कौन सा है, पेट है, इतनी सी पेट को प्रभु खाली रखा। इसलिए प्रभु ने क्या किया, इतने तरह का फल है, इतने कितने तरह का साग सब्जी, कितने तरह का अनाज ठाकुर ने बनाया, क्यों इतने जगह को भरने के लिए, इतने से जगह को भरने के लिए प्रभु इतने सारे चीज बनाया। इसलिए हमें गंदी चीज को छोड़ करके हमें अच्छी चीज को ग्रहण करनी चाहिए ठीक है ना। और प्याज लहसुन मैंने तो बहुत सारी कथा बताया था, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, शुद्ध रूप में खाना बनाओ, भगवान गोपाल जी को भोग लगाओ, पूरा परिवार शांति और सुख में शांति सुख बनी रहे ठीक है। ये चार चीज को छोड़ना, बोले चार चीज को जोड़ना, बोले चार चीज को क्या जोड़ेंगे, बोले पहला चीज है, पहला चीज बताया घर घर में तुलसी की वृक्ष होनी चाहिए, घर में तुलसी की पूजा होनी चाहिए, क्यों भगवान जब ये दुनिया छोड़कर गए ठाकुर जी तुलसी में अपना स्वरूप छोड़कर गए, तुलसी में लक्ष्मी और तुलसी में नारायण का निवास है, इसलिए हर घर घर में तुलसी वृक्ष होनी चाहिए। आप सबके घर में तुलसी वृक्ष है, किसके घर में तुलसी वृक्ष है, हाँ जिनको घर में है तो बच्चिया
जिसको घर में नहीं जरूर तुलसी के पौधा लगाना, जिसके घर में जितने सुंदर तुलसी पौधा होगा ना देखना उतना माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तुलसी सेवा को रोज पानी दो, तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी की आरती दो। राधा रानी तुलसी पूजा करते करते राधा रानी कृष्ण को प्राप्त कर ली केवल तुलसी पूजा से। इसलिए घर घर में तुलसी वृक्ष हो, तुलसी की पूजा हो, घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। तुलसी वृक्ष की सेवा से रोज पानी दिया करना, ठीक है। और गले में तुलसी की कंठी पहननी चाहिए। पहले मैंने बताया था तुलसी कंठी लक्ष्मी, गले में कंठी हो तो लक्ष्मी नारायण का निवास है। और तुलसी कंठी द्वारा क्या पता चलता है, हम भगवान की भक्ति करते हैं। पहला नंबर तुलसी, दूसरे नंबर है हर घर घर में ठाकुर को पूजा होनी चाहिए। घर में ठाकुर जी की सुंदर तस्वीरी हो, नहीं तो जैसे गोपाल जी हो घर में, नहीं तो कोई आप भगवान राम दरबार हो, घर में ठाकुर जी की मूर्ति, ठाकुर जी का पूजा सेवा ठाकुर जी की अच्छे तरह से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ये अर्चा विग्रह रूप में कलयुग में आए। तीसरा नंबर है आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना। पहले मैंने आपको एकादशी की बड़ी महिमा आपको मैंने सुनाई थी पहले, भले कोई व्रत एकादशी व्रत जरूर रखनी चाहिए। एकादशी को कल्प वृक्ष व्रत बताया, मतलब जो कुछ मांगोगे एकादशी करते हुए आपकी सारी इच्छा, एकादशी करने पर सारी इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। पूर्णता कहते कामदा पाप मचनी अर्णदा, सब कुछ एकादशी व्रत से ही मिल जाती है। कहते तराजू लेकर के एक तरफ में सारे व्रत कर लो, तराजू दूसरे तरफ में केवल एकादशी व्रत का फल रखोगे तो वो सबसे ज्यादा भोजन दिखता है। इसलिए जरूर एकादशी व्रत हम लोग जरूर रखना। और जो चौथा चीज है भगवान की नाम जप करनी चाहिए, ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए, क्योंकि ये भागवत का जो सार है ना ये ठाकुर जी का नाम है। भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो ठाकुर जी के नाम से ही ये पहला श्लोक प्रारंभ होता है। बोले एता निर्विद्यमानानां इच्छता अकोत भयम् योगिनां निपनिर्मित हरे नामानुचितनम्। ये भागवत शुरुआत है, भगवान का नाम से ही कल्याण है। और भागवत जब समाप्त हो गया तो वही भागवत का अंतिम श्लोक मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले नाम संकीर्तनम् जस्या, बोलिए नाम संकीर्तनम् जस्या, जोर से बोलो, बोले नाम संकीर्तनम् जस्या, नाम संकीर्तनम् जस्या सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणाम दुःख शमनम्, अंतिम श्लोक है। मतलब भगवान का नाम संकीर्तन से जीव का परम कल्याण है। सारे पाप ठाकुर जी के नाम से ही सारे पाप नष्ट होने वाले। इसलिए आपको मैंने चार ही बहुओं की कथा सुनाई थी ना, याद है कि नहीं? याद है चार ही बहुओं की कथा? साथ में कोई नहीं गई, कौन सा बहु साथ में गई लास्ट में? भक्ति देवी। भगवान की जो नाम, जिस बहू को उन्होंने जीवन में सबसे ज्यादा लेट की, अंतिम समय आए तो वही बहू ही लास्ट में जाने के लिए तैयारी हुई है। इसलिए केवल नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव का कल्याण है। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री राधे। अभी भागवत का समाप्त कर देंगे और दो मिनट ध्यान से देखो। देखो ये जो भागवत कथा हुई है, ये भागवत कथा में कोई जान निकल गई, कोई मन से और कोई भाग से, सब लोग किसी ना किसी तरह से सब लोगों ने क्या किया, ये भागवत ने मदद की है। ये लाइट को बंद कर दो, ये लाइट है ना, ये लाइट को बंद कर दो, ये लाइट बंद कर, ध्यान की कोई जरूरत नहीं। हाँ पंखे पंखे बंद करा दो, सर पंखे को बंद करा दो, जरूरत नहीं पंखे। हाँ हरे कृष्णा। देखो ये भागवत कथा में सब लोग ने कुछ ना कुछ तरह से भागवत में मदद की, तभी इतना बड़ा उत्सव इतने अच्छे तरह से हो पाया। कहती है कथा में सबसे ज्यादा मदद किसने की है, जिन लोगों ने ये कथा सुनने के लिए आया। अगर आप लोग जैसे मैं आ जाता
ये पैंडल भी बन गया, ये माइक भी लगा दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर आप लोग अगर कथा सुनने के लिए नहीं आते है ना, फिर कथा क्या होगा? अगर सिर्फ परीक्षित महाराज नहीं होते तो सुखदेव गोस्वामी क्या कथा सुना सकते थे? नहीं। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए, इसलिए एटावासी मैं तो इतने भक्तों को देख करके इतने प्रसन्न हो गया हूँ। सहज में इतने भक्त लोग कहीं नहीं दिखे, इसलिए मुझे लगता है एटावासी ये बड़े पुण्यात्मा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर तब भी कोई कथा सुनते हैं, इसलिए एटावासी मुझे लगता है ये बड़े पुण्यात्मा है, बड़े पुण्यात्मा तभी कथा सुनते हैं। ये भागवत से, भागवत में कोई तन से, कोई मन से, कोई भाग से, किसी ना किसी रूप में सब लोगों ने कुछ ना कुछ मदद की, सब लोगों ने कुछ ना कुछ आप लोगों ने मदद की है। यदि भागवत कथा में अगर एक मानसिस का काठी अगर किसी ने दे दिया, केवल एक मानसिस ही काठी, इसलिए भागवत का देखो ये श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत अनुमोदित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर इतनी सी कोई बात बोलते, भागवत कथा हो रही है बहुत अच्छी बात है, भागवत कथा होनी चाहिए। अगर इतनी सी बात कोई बोल देता है ना, जितने जन्म जन्मांतर का सारे पाप उसको खत्म हो जाते हैं, वो सीधा भगवत धाम को चला जाता है। केवल इतनी सी अगर बात बोल दे, इसलिए आप लोगों ने जो तन से, मन से, धन से, इसी तरह से आप लोगों ने ये कथा में किसी ना किसी तरह से आप लोग मदद किए, कोई एक फल भी लाए हो। मैं ठाकुर जी प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी उनको ऊपर में आशीर्वाद दे, ठाकुर जी उनको ऊपर में कृपा करे और खूब फल से भूलते रहे और जीवन में खूब सुखी रहे, इसलिए आप लोग खूब उनके लिए ताली बजा रहे हैं। कति ये भागवत कथा ऐसे नहीं हो गया, कुछ भक्त लोगों ने कुछ कुछ पैसा भी कुछ कुछ दिए, कुछ कुछ भक्त लोगों ने थोड़ी बहुत कुछ ने दिए, इसलिए वो चीज तो ठाकुर सब जानते हैं कौन कैसे किस रूप में दिए हैं। इसलिए हम उन लोगों के लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, भागवत से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हैं उनको ऊपर में भी ठाकुर जी आशीर्वाद करें। अब उन्हीं के लिए भी जो थोड़ी बड़ी पैसा दिए हैं इसमें, ठाकुर जी उनके भी कल्याण करें। और ये कथा में देखो जो परिवार हमारे जो गुप्ता परिवार है, कहते इनका सारे भक्त लोग भी कानपुर इधर उधर से ये बहुत लोग भी आए हैं। ये लोग बहुत दिन से पिछली बार भी मेरे को बोल रहे थे लेकिन मेरे पास में समय नहीं हो पाया, लेकिन इस बार उन्होंने बड़ी दिनों से मेरे को बोले बोले महाराज जी कोई समय दो कथा रखने के लिए, कोई समय के दो मैं कोई। फिर मैंने कहा मेरे और कोई प्रोग्राम थी, अभी मैं उड़ीसा में प्रोग्राम, उसको पहले बंगाल में प्रोग्राम करके आए, मैंने कहा समय नहीं समय नहीं। फिर ये समय निकाला तो बोले अभी तो गर्मी पड़ेगा, अभी तो गर्मी होगा, इसलिए कही सका बोले इस बार इतना गर्मी नहीं पड़ेगा, आप चिंता मत करो। इसी समय पर मेरे को बहुत दिन से ये हमारे प्रभु जी, इनके जो पिताजी, क्या रहा पिताजी का नाम है, श्री विनोद प्रभु गुप्ता जी, उन्होंने बड़े दिन से फोन से आओ 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 आओ, पर पीछे एकदम पड़ गए, मेरे एकदम पीछे पड़ गए। मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, तब इसलिए इनको परिवार ने बहुत इन लोगों ने अपना घर में इनका बहू बेटी उनका जो परिवार लोगों ने बहुत बहुत किया है इन लोगों ने, इसलिए तन से मन से धन से हम भी इनके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी इनको ऊपर कृपा करे और इनको खूब सुख शांति दे और इनको ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कल्याण हो। देखो इन कथा में हमारे जो माइक वाले देखो ये भैया बड़े सुंदर माइक लगाए, बहुत अच्छे बच्चे, क्योंकि अगर मैं हो जाता हूँ अब कितने सारे भक्त बैठे हैं, अगर माइक ही नहीं होता वो बोल पाता नहीं बोल पाता, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से माइक की सेवा की, ठाकुर जी की कृपा कर ठाकुर जी। और हमारे वृंदावन से और हमारे देखो जो क्यासियो भाई बजा रहे, इनका नाम ये गोस्वामी है, ये बंगाल के गोस्वामी है, इसलिए कितने सुंदर उन्होंने आपको सबको नचा दिया, अंगुल के ऊपर में सबको नचा दिया उन्होंने, है कि नहीं नचाया कि नहीं हम सबको, इसलिए आप इन्हीं के लिए श्याम सुंदर प्रभु की जय। ढोलकी में
हमारे श्री श्रीधाम प्रभु जी और पेड़ में क्या नाम प्रभु जी गुड्डू प्रभु जी श्रीराम प्रभु जी सोए नहीं है और हमारे मनमोहन प्रभु जी पीछे बड़े सुंदर उन्होंने मछली गाए और जो हमारे विदेश से जो भक्त लोग आए हैं विदेश से जो भक्त लोग आए जो लड़कियां आए हैं जो भाई लोग अब इनके लिए भी जोरदार गोपाल प्रभु की जय। देखो हरे कृष्णा यहाँ पर जो प्रसाद बांटते है ना प्रभु लोग वहाँ पर है आप लोग जब जाते हैं प्रसाद बांटते हैं और एक भैया नाम नहीं वहाँ पर बैठे हैं तो सारी व्यवस्था को आकर के क्या हो रहा है नहीं हो रहे भैया का नाम इसलिए इन लोगों ने भी हर तरह से सबको प्रसाद बांटना सब कुछ करना इन्होंने बहुत अच्छे किए। खैर यहाँ पर जो स्टेज सजाया हमारे प्रभु जी ये ब्रजवासी है इन्होंने भी बड़े सुंदर ये स्टेज को उन्होंने ठाकुर जी इनको पर जो कृपा करे और ये सब लोगों ने आप लोगों ने हर तरह से कथा को मैं बहुत अच्छे तरह से आप लोगों ने व्यवस्था की ये एटा के भक्त वृंदा है इसलिए हम सब गोबर में ठाकुर जी से बांके बिहारी से प्रार्थना करते हैं सब ठाकुर आपको शांति सुख दे तुम संसार में फलते फूलते रहो और भगवान की भजन करो और मुझे तो भी तो कुछ देनी चाहिए ना इसलिए नियम होते कथा सुनने के बाद कुछ देनी चाहिए तो क्या दोगे मेरे को आशीर्वाद क्या देना मेरे को आशीर्वाद दोगे कि नहीं आप लोग जैसे हमारे माता और पिता है नियम होता है कथा के बाद अगर कुछ नहीं दो ना हाँ फिर तो कथा सुनने का फल नहीं मिलती इसलिए मेरे को भले जो दो तो मत दो लेकिन मेरे को आशीर्वाद देना सबके सब हाथ उठा करके हृदय से मेरे को आशीर्वाद दो क्या आशीर्वाद दो जैसे मैं आप लोगों का सेवा कर सकूं साधु संत और ठाकुर जी का हम सेवा कर सकूं भक्ति कर सकूं आप हृदय से दो ऊपर से नहीं अगर इतने सारे माता और भाइयों का अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरा तो जरूर कल्याण होने वाला है कि नहीं इसलिए सबके सब हृदय से मुझे आशीर्वाद दो जैसे मैं आप लोगों का सेवा कर सकूं और आप भगवान की कथा बोल सकूं साधु संत की सेवा कर सकूं ठीक है ना। अभी श्री रुक्मिणी कृष्ण अभी आने वाले हैं कहते श्री विदर्भ देश है भीष्मक नाम के एक राजा थे उनकी 5 बेटे और 1 बेटी रुक्मिणी ये साक्षात माँ लक्ष्मी है ये साक्षात श्री माँ लक्ष्मी ये साक्षात है इसलिए नारद जी बचपन में इनको सुंदर सुंदर इनकी कथा सुनाया करते थे। अभी कृष्ण कथा सुनते सुनते उसको रोम रोम में कृष्ण बैठी गए बोले शादी करूंगी तो द्वारका से लेकिन उसको बड़ा भाई रुक्मी बोले क्या कृष्ण से हमने सुना बचपन में क्या वो भैया चराई करता था और ये मक्खन चोरी करता था नहीं हम तो शिशु बालकों के साथ में शादी करेंगे। इतने में रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाए और एक प्रेम पत्र लिख कर उन्होंने ब्राह्मण को हाथ में दे करके भेज दिया। भगवान कृष्ण जब प्रेम पत्र को सुने इतने प्रसन्न हो गए उन्होंने उन्होंने क्या लिखा हुआ था पत्र में कोई कोई किसको देखे ही नहीं लेकिन एक पत्र सुन कर ही कृष्ण लेकर गए। पत्र में क्या था बोले हे भगवान सुंदर कृष्ण तुमसे सुंदर जगत में कोई है ही नहीं तुम ही जगत में मदन मोहन हो सबसे सुंदर तू हो आज जगत में पति तो केवल तुम ही जगतपति जगन्नाथ हो हैं जगतपति जगन्नाथ केवल तुम ही जगतपति जगन्नाथ हो और मैं बचपन से तुम्हारी कथा सुनते सुनते तन मन में सब कुछ मैं तेरे को दे चुका हूँ तुम पुरुष सिंह हो ये सिंह की अगर हिस्सा को अगर सियार ले जाए ये सिंह की बदनामी है इसलिए तुम परम पति पति मतलब क्या मतलब होता है पालन करना ती मतलब होता है कि हमें संसार से त्राण कर ले केवल तू ही जगतपति जगन्नाथ इस जगतपति बनने का लायक है ही नहीं क्यों हर जन्म में पुरुष होने पर स्त्री स्त्री होने पर पुरुष मिलता है लेकिन मांग भरते हैं सिंदूर लगाते हैं शंखा पहनते हैं लेकिन कुछ दिन बाद वो सब टूट जाते हैं। एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर से पकड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं बोले तब तक पकड़ के छोड़ेंगे जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए इसलिए प्रभु मेरे को उद्धार करो और भगवान कृष्ण आके ले आ भगवान कृष्ण आकर के रुक्मिणी को प्रभु लेकर के चले जाते हैं और बड़े धूमधाम से उनकी सारे हरिओ कर
कथा समाप्त हो गई ना, देखो कथा समाप्त लग रहा बारिश हो ना, देवताओं को पुष्प वृष्टि करने, ये बारिश नहीं, ये देवताओं का पुष्प वृष्टि है। कथा के बाद अगर बारिश हो ना, बताया देवताओं को जो प्रसन्न होते हैं वो बारिश रूप में पुष्प वृष्टि करते हैं। अभी भगवान की शादी हुई ना, इसमें देवता लोग स्वर्ग से पुष्प वृष्टि करते हैं। बड़ी रमन भगवान की भुलभर्गाधीश की जय जय श्री राधे। ऐसे भरगो ऐसे बने तो बने जो जन्म और मर जाए, बर बड़ो बर मरे हर राम मेरी सखियों मुझे में लगा दो, you
Oh.
निकल जाए। ओ सामी शादी है मेरे जगन्नाथ की शादी, ओ सामी शादी है है।
Thank you.
बैठ जाए तो उधर बैठो बैठ सकते हो जय जय श्री राम बैठ जा से भगवान को स्नान कराया जाएगा पूरा धूल में अभिषेक होगी बड़ी याद बढ़िया से दर्शन होगा आप जो नाच सकते हो सभी लोग होली बनाएंगे यहाँ थोड़ी जगह छोड़ दे यहाँ नाचने के लिए सामने जगह छोड़ दे और सब बैठ जाए बैठ के दर्शन करें और नाचने वाले सामने खड़े हो जाए बोलो हरि के रसिया की बोलो बरसाने वाली सब बैठ जाए जो नाच सके वो नाच सामने आ जाए अरे होलियों में वो मेरी झुनरी में पड़ गया सारा दिन Thank you.
I'm not